What a nice mouse. इस तरह का सॉफ्ट माउस मेरे हाथ में लग गया तो मैं सारी रात काम करता रहूंगा। ए माउस हिल क्यों नहीं रहा? दिस माउस मेड इन विच कंट्री यार? सर, आपके हाथ में माउस नहीं बल्कि कौशल्या का हाथ है। कौशल्या, वेरी सॉरी। एवरीबॉडी लुक एट हियर, मेरी अगली खोज ये है। Hey, excellent. क्यों रे? कंप्यूटर की टांग खींच रहा है? मेरा अपमान किया। आजकल हाथ रखने से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। इस हाथ में जादू है। ऐसा कौन सा तूने आविष्कार किया? सीधे मॉनिटर। मैं बचपन में कैसा था देख सकते हैं आप, और बुढ़ापे में मैं कैसे लगूंगा वो भी देख सकते हैं। मेरे कमाल को दिखाना। ए साहब, के लिए मरना लेके आओ। इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में क्या बनूंगा वो भी दिखा दूंगा। आप देखने के लिए तैयार है क्या? कंप्यूटर पर तुम एक्सपर्ट हो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ओके। माउस और स्पाउस में क्या फर्क है? क्या फर्क है? माउस कहीं भी जाके घूम सकता है, लेकिन स्पाउस चार दीवारी के अंदर ही। व्हाट अ इंटेलिजेंट, यू आर क्रेडिट टू मी। इंटेलिजेंट होता नहीं, या नहीं आता? देखिए, मेरी उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है। बचपन में दोनों की सगाई हो चुकी है। नो, बाल विवाह मैंने कराऊंगा, अंदर कर देंगे। सुनो, 18 साल पहले गायब हो गया था, अब कैसा दिखता है बताओ, और इसे ढूंढ निकालने का काम मेरा है। अरे, इस लड़की को ढूंढ कर आप अपनी बेटी की शादी से करवाना चाहते हैं? मतलब आपकी बेटी मस्त चीज होगी? हे, तमीज से बात कर, नॉनसेंस। मेरी बेटी कौन है मालूम? इस शहर की ब्यूटी क्वीन है। दिखने में बहुत कोमल है, अगर एक हाथ पड़ गया ना 32 ही बार आ जाएगी। मानो या ना मानो, वो तो हूर है। सुन, चल वहां चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, वहीं पे चलेंगे। ओके, हेलो। आपको हिंदी नहीं आती ना? सॉरी, वी डोंट नो दैट लैंग्वेज। तब तो अच्छी बात है, तुम हमारे साथ चलोगी? बोलो ना। What? अंदर चलना। यू हेलो, एक एक करके आओ, लेकिन इसी तरह तुम लोग को आना होगा, यही हमारी विनती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? हम तैयार है, तुम तैयार हो? हम बाहर वेट करेंगे, चलो बाद में इंग्लिश में बात करेंगे। इसीलिए मैंने इंग्लिश मना किया, तू नहीं मानी। हे, क्या हुआ? वो लोग हिंदी में कुछ कालियां देके जा रहे हैं। अब तो तुम शुद्ध हिंदी बोलती हो, लेकिन उनके सामने अकड़ कर अंग्रेजी में बात करती हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। अब देखो। आओ मैना, तुम्हें भी हिंदी आती या नहीं? आती है मुझे। ये तो गंदी गालियां दे रही है। चलो यार, चलते हैं। जल्दी जल्दी, इस छोटी से बक्से के अंदर क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दूल्हे को ढूंढ रहा था। फिर से आपने दूल्हा ढूंढने का काम शुरू कर दिया। आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन वो वापस नहीं आने वाला। इस बकरे की दाढ़ी बढ़ गई है, इसकी हजामत के लिए 5 रुपए दे के आइए। शट अप, डोंट इंसल्ट माय सैलून सॉफ्टवेयर। मैं बात में नहीं काम पर विश्वास करता हूँ। देखो, इस थोपड़े को कमल हासन ही सुंदर बना सकता है। कमल हासन को क्यों बुलाओगे, तुम खुद नहीं कर सकते? सुनो, मॉर्चरी में कभी लावारिस लाश को देखी है? वो कैसी होगी बताओ? ऐसे ही। फिर इसे क्यों दिखा रहा है? इससे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं? सर, आपके गलत फैसले से आपकी बेटी जरूर सुसाइड करने वाली, जाके बचाइए ना। मर्डर करेगी या सुसाइड करेगी अभी पता चल जाएगा। शट अप। ऐसी शक्ल दिखाई कि जिंदा आदमी भी सारा मुर्दा हो जाए। तुम फिकर मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अरे रे, अरे रे, नहीं साहब, अरे साहब, ऐसे काम मत। अरे रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया। डैडी, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। फिर से आपने इस तरह की गंदी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाय 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 हाय, इंश्योर के बिना इंस्टॉलमेंट में खरीदा। अरे क्या मुँह दिखाऊंगा बैंक वालों को।
क्यों कंप्यूटर कंप्यूटर की रट लगा रखी है? यही जानना है ना कि मेरा खोया बेटा कैसा दिखता है? वो मेरी तरह सुंदर दिखता है। ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगा। किस लिए ये आर्गुमेंट? सुनिए तो, मेरा जमाई बिल्कुल मेरी तरह सुंदर और सुशील होगा। देखा बेटी, मौका मिलता है उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। कहने दीजिए ना डैडी। डोंट यू थिंक इट्स टू मच? जब तेरी मम्मी को देखने गया, मेरी आई डम्मी थी, इसे ठीक से ना देखने की वजह से आउट ऑफ फोकस में ओके कर दिया। शादी के बाद तो मैं सूरदास बन गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, और आपने अपनी सुहागरात अस्पताल में मनाई है। इसे याद दिलाओ। इसमें इतनी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा बेटा मेरी तरह सुंदर है, जब वो आएगा तो तुम लोग खुद मुझे तो नहीं लगता। आंटी, बचपन से मैं भी यही सुनती आ रही हूँ कि वो आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया। आंटी, फिलहाल क्या आपको अपना लाडला चाहिए, यही ना? थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दीजिए, उसके बाद देखिए मुझे लगाकर मैं आपका लड़का बनकर यहाँ आके खड़ा हो जाऊंगा। देखो बेटी, तू मेरा लड़का बनकर आएगा तो तेरे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अरे रे, तुम्हारे परिवार को कुछ ना कुछ ढूंढने की बीमारी है। आप ढूंढते रहिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस जन्म में मुझे मिलेगा। क्या कहा तूने? डैडी, मुझे स्टेशन में ड्रॉप कीजिए, मुझे मद्रास जाना है। दो दिन के बाद जाएंगे बेटी, कल कॉलेज की रीओपनिंग है। डैडी चलिए, बाय अंकल, बाय आंटी। 25 तारीख को यहाँ से जाने वाली सारी फ्लाइट्स में मेरे नाम पे टिकट बुक करके रखो, इसे राजी रखना। हाँ। सुनिए, हम लोग 24 घंटे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। जहाँ आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पे है तो मैं खुश रहूंगा माँ। मैं पूजा कर रहा हूँ ना। ये जेल है या फिर कोई मंदिर? इसे मंदिर कहो या फिर जेल। ठीक है ठीक है, मंदिर से बाहर आओ। छे, जेल से बाहर आओ तुम, आज तुम रिहा हो रहे हो। दूसरों के गुनाह को पैसे के लिए कबूल करके अक्सर यहाँ आते हो, इसलिए तुम इस सेंट्रल जेल के लाडले बन गए हो। वैसे तुम्हारी मदद की हम सब लोगों को बहुत जरूरत है, इसीलिए हम सब लोग कुछ बोल नहीं पाते। 10 बार दीवार पिक्चर देखने के बाद उसमें बिग बी का बिल्ला है ना, 786, वही 786 नंबर के लिए जीत कर रहा था। तुम काफी खुराफाती हो गए हो मोती। मोती, दिस इज टू मच, चाबी मुझे दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपन यूं गया और यूं आया, वैसे ये कमरा भी अपन के लिए लकी है, अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है अपने, किसी ने उठा लिया तो क्या करेगा अपन। सलाम भाई, बाहर के चोर को अंदर कर सकते हैं, अंदर के चोर का कहाँ डालोगे। अरे साहब, अपन आपको नहीं बोल रहा है। शिवराज भाई, कहना भूल गया, अपन का कपड़ा लॉन्ड्री में है, उसे लेके रख लेना, अपन आगे ले लेगा। मोती, तुमने इस जेल को लॉज बना दिया। मोती, तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, बोलिए चाचा। जो दर्द मैं यहाँ झेल रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों ने मुझे देख लिया तो वो रो पड़ेंगे। उनको पता है बच्चों से कुछ कहना है क्या? मोती, बाहर जाने के बाद मेरे बच्चों से मिला तो उनसे कहना कि गलती से उनसे कोई जुर्म हो भी गया तो इस जेल में कभी मत आना। नासिक जेल, पुणे जेल, बायखला जेल और तिहार जेल भी अच्छा है बेटा, कहना इस जेल में मत आना, यहाँ तो मच्छर है, खटमल है, वो बेचारे सह नहीं पाएंगे बेटा। सच कहूँ तो उन्हें तो एसी रूम में सोने की आदत है। सेंटीमेंट से अपन को उल्लू बना रहा तू, थोपड़ा बदल दूंगा तेरी जात का। फिर मिलेंगे भाई। आइंदे अंदर आने की बात मत करना, तेरी तो हुल दे रहा है। अब उनके अंदर आने से तुम लोगों की कमाई है, अकल से पैदल है साला। यार मोती, फिर कब आओगे? वहाँ बाहर अपन का दोस्त है। मैं फैसला करूंगा, अब मोती किस केस के सिलसिले में जेल जाएगा इसका फैसला मैं अभी कर देता हूँ। क्योंकि मोती से संबंधित जितने भी केस हैं, ये जेपी, ये जेल ब्रोकर ही हैंडल करता है। तुम्हारा केस क्या है? साहब, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर मोती ने इस केस को अपने सर पर ले लिया, निकाह हो जाएगा बेटा। निकाह की पूरी गारंटी है, केस की पूरी डिटेल हमें चाहिए। शादी से पहले लड़की को भेंट किया हुआ तोहफा चुरा लिया। नाम क्या है? अहमद खान। बाप का नाम? अमजद खान। क्या चोरी किया? वीडियो कौन? क्यों बे, तुम लोग मुझे उल्लू बनाने के लिए खान की दुकान लेके आए हो? मोदी, मोदी, बोलना नहीं देगा, काहे पीछे पड़ा? चलो यहाँ से दफा हो जाओ, चलते बनो। मोदी मोदी, अगर मैं मजदूर के साथ नहीं गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल किया कभी? देख भाई, जब अपन अंदर था तो इसे पकड़ के सोता था, अब 2 दिन के लिए तू बाहर रह, वो भी गन हाथ में पकड़ के, नहीं तो अपन इसे दे देगा, तू ही फैसला कर ले। तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जेल जाना होगा, उसके लिए केस मिल गया है। केस? जरा केस बता। हाय पामो। कंट्रोल। तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन स्किन का धंधा थोड़ा मंदा है, और ऐसी हालत में पुलिस मेरे पति को ढूंढ रही है। किसे? कन्हैयालाल को? अरे उसे गए हुए 4 महीने हो गए, अब उसके बेटे को ही रखा हुआ है। ठीक है, अपन अंदर जाता है। अच्छा ये बता, क्या दोगी? चंचल कुड़िए, चंचल कुड़िए,
अंबरी तू है, ऐसी परी तू है, तेरे लिए दिल तड़पता रहे। कुछ इस तरह कर दे और इंतहा कर दे, दिल ये जुदाई क्यों अपना सहे। उम्र भर साथ रहे तेरा, के हाथों में हाथ रहे तेरा, तेरी धड़कन से मेरी हर धड़कन मिलके बन जाए सरगम। चल कुड़िए चंचल कुड़िए, चंचल कुड़िए चंचल कुड़िए, मद मस्त अदा से मचल कुड़िए। पास है तेरा शहदाई, देखना रहे तन्हाई, प्यार की है परछाई, इसको थाम ले। धीमी धीमी बज सांसों की शहनाई, भीनी भीनी अंगों से खुशबू आई, मेरे दिल को ये तेरी सूरत भाई। चंचल कुड़िए चंचल कुड़िए, चंचल कुड़िए चंचल कुड़िए, मद मस्त अदा से मचल कुड़िए। बेटा, अगर ये केस तुमने अपने सर पे ले लिया तो मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा। वो कलेक्टर बनना चाहता है और हमारी भी यही ख्वाहिश है। कल शाम जब कॉलेज के लफंगे लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे, तब ये भी उनके साथ ही खड़ा था और इल्जाम इसके सर आ गया। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये गुनहगार है, तो ये कलेक्टर बनने के बजाय सलाखों के पीछे आ जाएगा बेटा। इसलिए मेरे बेटे का गुनाह तू अपने सर पे ले ले बेटा। ये तो लौंडिये का मामला है और केस में दम भी है। केस को रफा दफा करने के लिए कैश चाहिए है क्या? हाँ हाँ, कितना चाहिए बोलिए। यही फाइनेंस मिनिस्टर है। हार्ड कैश। हार्ड कैश से हाथ जल जाएगा, इसलिए सूटकेस में रख दीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका बेटा रिहा। ओके मोती, ये तुम्हारा 50वां केस है, पता है तुम्हें? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। अपुन ने कहना रहे की मदद की अंदर जाके, और 2 महीने की सजा हुई। सजा कम कर सकते हैं जज, अपन का आदमी है। मैक्सिमम 4 महीने। और उसके बाद ईव टीजिंग के केस में 3 महीने की सजा हुई। 30 दिन की सजा। ये गलत है, ये जो केस है बहुत ही सीरियस है, कम से कम 1 साल। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर है कि 4 साल की सजा होगी। क्या बोल रहे हैं? सच में मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम लड़की की हालत कितनी बुरी है, देखो। हाँ, उसे दबोच लिया। उसका नाम है मोती। यार, केस कितना सीरियस है, तूने बोला इसने? देखो पांडू, कोई भी पूछे तो यही कहना है कि मोती की वजह से ही इस लड़की का ये हाल हुआ है। ये लड़की बोल नहीं सकती। मैडम, जब जब साहब पूछेंगे तो उनसे ये कहना कि इसके पीछे उस कमीने मोती का ही हाथ है, वो रहा मोती। बड़ा भाई छोटा भाई समझ के राखी बांधने वाली मेरी बेटी का ये हाल कर दिया तुमने। पापी, भगवान तेरी हालत इससे भी बदतर करे। मेरी बेटी ने तुम्हें भाई माना और तुमने उसकी ये हालत की। तूने मेरी बेटी का भविष्य खत्म कर दिया। ये सब मैंने नहीं किया, कसम से, ये सब मैंने नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है। अपन ने ये काम नहीं किया। छोड़ मुझे। अपन कसम खाता, अपन ने ये काम नहीं किया। ओए इधर आ, बोला बोला, अपन का हाथ इसमें नहीं है। साहब आप बोलिए ना।
बोले ना, अपन ने पैसों के लिए इस तरह लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? इसकी तरफ देखिए, आखिर आपका मन कैसे हुआ? और कितने दिन प्लीजिंग और रैगिंग के नाम पर लड़कियों की जान लेते रहेंगे? एक राखी के पवित्र रिश्ते को तुमने बदनाम कर दिया। 12 बजे कोर्ट में रहना। अपन उससे मिल के आता है। 12 बजे कोर्ट में रहना। इस तरह के कई नोट अगर हाथ में होते तो सारी दुनिया को हम अपने अधीन में कर लेते। गलती तुम्हारी है, लेकिन पैसों के लिए किसी और ने जुर्म कबूल लिया। अगर मुझे इस बात की खबर होती तो मैं उसका रेप कर देता। क्यों? अबे काय को फील कर रहा है? तेरी तो कई गर्लफ्रेंड्स हैं, किसी को भी पटा ले। अरे इस कॉम्प्लेक्स में कई लड़कियां हैं, किसी को भी फांस लेंगे। अरे ये कोर्ट जाने के बजाय यहाँ कैसे आ गया? हाथ उठाए ना, अब देख क्या हाल कर रहा हूं मैं। चल यार। इसकी हालत का जिम्मेदार अपुन नहीं है, वो है। सॉरी सर, सच्चाई क्या है हमें अभी पता चली। मुझे मालूम था आप ऐसे ही बोलेंगी। अरे सर ये सर खींच के अरे मां सुनिए। अरे सर हमारे एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उन सबको पकड़ कर ले आया हूं। सबको पकड़ कर लॉकअप में डाल दिया। करो वेरी गुड नेक्स्ट और कौन है? सर मुन्ना यहाँ नहीं आ रहा था, इसको जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं। अरे सर भूल गए क्या, आज सुबह ही तो आपने मुझे लॉकअप से रिहा किया था, फिर से पकड़ के अंदर रखने का मतलब क्या है? जिस रात कोई लड़की असली गहने पहनकर एकदम अकेली बिना किसी परेशानी के घर वापस पहुंचेगी, तभी हमारे देश को सही मायने में आजादी मिली, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। उस महात्मा ने क्या कह दिया, ये खुराफाती लड़की इतनी रात गए गहनों से शरीर को ढक के आजादी से घूम रही है। उसके माँ बाप से बोल दिया होता। वो हमारे शहर की लड़की नहीं है, बाहर गाँव की है, हॉस्टल में रह के पढ़ रही है। इतनी पुलिस जब मेरी सुरक्षा के लिए पीछे पड़ गई है, अगर इंडिया की लड़कियां मेरी तरह निकल पड़ी तो पुलिस कम पड़ जाएगी ऐसा सवाल कर रही है, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए गुंडों को अंदर कर दिया। ए क्या छुपा रही है, चल निकाल, सबने दिया ना। प्रीति दिस इज टू मच, चाहे तो अपनी गहने पहन ले। गांधी जी ने जो कहा था वो आज तुम देखने वाली हो।
सड़क पर कोई नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, इतनी रात गई, एक अकेली लड़की इतने सारे गहने पहनकर जा रही है, आप छीना नहीं चाहते? जब कोई लड़की अकेली रात में इतने सारे गहने पहनकर अकेली आएगी तो वो नकली ही होगी। ये कवरिंग है ना? नहीं, ये असली सोना है 24 कैरेट वाला। अरे तुमने असली गहने नहीं देखे ना, ये देखो। स्वतंत्रता दिवस की खुशी में हमने एक सेट को लूट लिया है। चलते हैं मैडम, बाय बाय। कैसे बेवकूफ है? हमारे बॉर्डर से गुजर चुकी है, ओवर। हाँ रंगा, वो लड़की हमारी एरिया में आ चुकी है, हम उसे देख लेंगे, ओवर। अच्छी है यार जेपी, इतनी रात गए लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी बैंक के लूटने की खबर मिली होगी, शेयर लेने के लिए खड़ा होगा। तो अपन भी शेयर लेंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों हवलदार साहब, रात को भी वसूली करने उतरे हो? इंस्पेक्टर साहब, दिन में भी लूटते हो, रात में भी लूटते हो। खामोश। सर, वो हमारा बॉर्डर क्रॉस कर चुकी, ओवर। हाँ, ओवर टाइम की कमाई के लिए जा रही है। गाड़ी स्टार्ट कर। मुझे लगता है पुलिस वाले को उस लड़की से कोई ताल्लुक है, और फॉलो करते हैं। बात सुन, आधी रात को इतनी खूबसूरत लड़की अकेली जा रही है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? हाय हाय, तू साजिदाज कर गहने पहन कर निकली है, तुझे ही कोई नहीं मिला, तो मुझे बताना चाहती है, चल हटना। ओए, उसे क्या बोल रही थी? बढ़ाया, मैं जो मांगूंगी दोगे क्या? देता हूँ ना, आज 15 अगस्त है, टॉफी देता हूँ। मौका जाएगा, खराब हो जाएगा। अब बिगड़ने के लिए बचा क्या है? वो सब छोड़, लड़की चली जाएगी। गांधी जी, आपने जो सपना देखा था ना, वो एक हद तक पूरा हो गया, मेरे ख्याल से बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जय हिंद। अन्ना जी को या गांधी जी को? कहनों को तुम उड़ाना चाहते हो, इधर आ। देखो मैडम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। तुम्हारे हेयर कटिंग से पता चलता है कि तुम चेयर कटिंग वाले हो। ये तो मेरा धंधा है। धंधा है? इसे धंधा कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे क्या निकल रहे हो, उस तरह है क्या? हेलो, मैं रंगीला बोल रहा हूँ, मैं आफत में फंस गया हूँ, सारी मंडली आओ। ओ, तुम्हारी चोरों की मंडली इतनी फैल चुकी है, ग्रुप बना के नुक्कड़ नुक्कड़ जाके चोरी करते हो? ये लड़की तो तुम्हारी जन्म कुंडली बता रही है। तूने किस पर हाथ उठाया पता है? ऐसा रंगीला पर। पल भर में सारी पुलिस यहाँ आने वाली है। यू आर पुलिस सर? पुलिस पुलिस नाइस पुलिस। क्या हुआ मैडम, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया था, ये कैसी आजादी है? गांधी जी क्रोधित हो जाएंगे। देखो मैडम, किसी पे भी हाथ उठाओ पुलिस चुप रहेगी, पुलिस पे हाथ उठाएगी तो पुलिस चुप रहेगी क्या? पुलिस अंकल, आप अपने ग्रुप को रोक दीजिए ना प्लीज। देखिए मैडम, ये कोई मामूली केस नहीं है, इस केस से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या? देखिए मैडम, आपने इसे मारा है, आपने इसे गाली दी है, लेकिन आपके बदले इसे सजा होगी। क्या, मेरे बदले इसे सजा होगी? होगी होगी, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे दूंगी। समझ गई ना? हाँ, कैश मुझे दे दीजिए, केस ये देख लेगा। हाँ। एक काम कीजिए, एडवांस के रूप में चेन मुझे दे दीजिए। रहने दे यार। मामा शेयर लेने गया। किसने पुलिस पर हाथ उठाया? अपुन ने। तेरी ये मजाल, पुलिस पर हाथ उठाया, चल थाने। आपके बेटे की कुंडली में शनि का असर है, इसलिए दूसरों का इल्जाम भी उसके माथे पर लगेगा। चिंता करने की बात नहीं है, शनि दसवें स्थान में आते ही सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, आप विश्वास रखें। बेटे को खाने पीने की कमी नहीं है? हाँ, लड़के का ऐसा राजयोग है कि घंटी बजते ही खाना मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मेरा बेटा कहाँ होगा? अभी देख कर बताता हूँ। सुनो, हाँ, पान में काली क्यों पोंछ रहे हो? तुम सर काला करते हो और मैं पान काला करता हूँ, वो झूठ है, ये सच है। रैमिंग हो रही है, काली पोतने के बाद क्या करोगे? खोया हुआ बच्चा किस दिशा में है यही पता लगा रहा हूँ। क्यों, ये वर्ल्ड मैप है क्या? ठीक है मिस्टर अवस्थी, इस घर के अंदर आप खुद कौन सी दिशा में बैठे हैं बताइए। हैं, ये पूर्वार्ध है? नहीं 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 नहीं, ये तो उत्तरार्ध है। सुनो, इसके लिए इतना लंबा सोचने की क्या जरूरत है, खुद कौन सी दिशा में बैठा इसका ज्ञात नहीं, और मेरा दामाद कौन सी दिशा में ये बताएगा? चुप रहिए ना। अरे तुम चुप रहो ना, आजकल ऐसे पाखंडी लोग चूना लगाने के लिए निकले, ऐसा मैंने टीवी में देखा था, भलाई चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो ऐसा चूना लगाऊंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। चल फट, आखिर कब तक ऐसे पंडितों पर विश्वास करती रहोगी? इनकी तसल्ली भरी बातें सुनकर ही मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। अटेंशन, इस बार मैं जेल से फरार हुआ तो ये स्टेट क्या, मुझे कोई भी स्टेट नहीं पकड़ पाएगा। ये जेल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है और हम यहाँ से आसान से बच के निकल सकते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम जेल की वर्दी को उतार के वहाँ छुपा के रखी हुई अपनी सिविल ड्रेस में आ जाएंगे।
फिर उसके बाद देखना, हिंदुस्तान की पुलिस हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। मान गया उस्ताद। क्यों भाई, पतली गली से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हो? अरे भाई, 6 महीने की तो बात है, स्केच को फॉलो करेगा तो यहाँ से निकलने में 3 साल लग जाएंगे। 30 दिन में जेल से कैसे फरार होना है उस पर एक किताब लिखी है मोहन नायर ने, उसे पढ़ लेते तो आराम से जेल से फरार हो सकते हैं। क्या 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 पूछा? जेल की वास्तुकला से अपन वाकिफ है। अरे कहाँ खोदने से कहाँ निकलेंगे ये अपन चाचा कोई नहीं जानता। क्यों बेड़ो कलेजा क्यों भूख रहे हो? यहाँ से बच के जाने का रास्ता अपन बताएगा। सोच लो, ये जेल है, यहाँ खोदना शुरू करोगे तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। एक एक करके उतरो। मिलन, संभल के, ध्यान रखो। अबे वहां क्या दिख रहा है भाई? तुमने जरूर दिखा, उसका बहुत शुक्रिया। आगे आगे देखिए क्या होता है। काफी अच्छा लड़का है तू। अरे अपुन कहना ही भूल गया, अपुन यहाँ खड़े होकर लेफ्ट राइट बोलेगा, तू उसी आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ते जाना। राइट, ए हट, मेरे पीछे आओ। लेफ्ट, पीछे हट। राइट, लेफ्ट। अबे जाना। उस्ताद, पहले तो मोती की आवाज सुनाई दे रही थी, अब तो काफी लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। उसकी आवाज की गूंज हमें सुनाई दे रही है। क्या ये? ये बेल्ट है सर। उसके ऊपर? ये पेट है सर। ये क्या, ये पेट है या फिर पानी की टंकी? अगर पिस्तौल नीचे गिर गई तो फिर कैसे उठाओगे तुम? पुलिस वाला कम सेट ज्यादा लगते हो, पहले पेट को कम करो। ठीक से खड़े रह। आहा, इसने तो कमिश्नर ऑफिस का रूट दिखा के हमें फंसा दिया। अब उसका होश ठिकाने आ गया होगा। अभी आके तेरी खबर लेता हूँ कमीने। ए, ए, कौन है तू, कहाँ से आ रहा है? ओए, पार्लियामेंट से थोड़ा आ रहा हूँ, सीधा जेल से आ रहा हूँ। दोनों को गाड़ी में बिठा। सुनो, तुम्हारी गाड़ी से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, ऐसे जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। क्यों बे? हाँ उस्ताद, डीजल की भी बचत होगी, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। नहीं, औकात दिखा देना तूने। चुप्पे, हाथ हटा। ए, बंद करना नहीं तो तू ही गिर जाएगा। सर सर सर, जैसे आपने कहा यहाँ पे गड्ढा है सर, सर उसमें से कोई बाहर आ रहा है सर, एक चोर आ गया साहब, हमने चोर को पकड़ लिया साहब। एक? हाँ साहब, उसके साथ एक टकला भी पकड़ा गया साहब। सारी घटनाओं का विवरण देने के लिए एक पीसी भी ऊपर आ रहा है। ओके। ज्यादा हिलना नहीं, तुम्हारे जैसा बंदा अभी यहाँ से फरार हो गया था। तूने मेरे साथ खेला ना, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक कान के पास एक आवाज आ रही है, बंद कर इसको। ओवर, तू कुछ ओवर बोल रहा है। चल। हाँ हाँ, बिरयानी ना, अगले टाइम लेकर आ जाऊंगा। कौन सा ऑटो बोलो, कौन सा ऑटो? खामखा बात को क्यों बढ़ा? हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते, इसलिए ये लोग इस तरह लिखते हैं। आज ऐसा लिखने वाला, कल क्या क्या लिखने वाला है, इसके बारे में सोचा है तुमने? कौन सा ऑटो? वो ऑटो इसी स्टैंड का था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। उसको सबक सिखाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए, उस ऑटो का नंबर क्या है? TMB 143। देखा मोती, तुम्हारे साथ ऑटो में बैठने पर ऑटो भी सलाखों से घिरा जेल लगता है। अरे वो छोड़ यार, सुबह से अपन भी घूम रहे, एक केस भी हाथ नहीं लग रहा है। हाँ, केस लड़की के पीछे लगे हैं। जरा केस करें तो बताइए साहब। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कब अंदर गया और कब बाहर आया। तब तो बहुत ही पुराना केस होगा। कम से कम 15 दिन के लिए मिल गया तो चलेगा भाई। 15 दिन? इतने दिन पुराने केस के साथ क्या करेगा? हाँ, गिनते रहेंगे। आप गिनो या बिनो, मेरी पहचान के एक मस्त पोटी है साहब, आधा मिला देता हूँ, रेट आप ही फिक्स कर दीजिए। अरे रे, ये तो केस का रुख कहीं और मोड़ रहा है। अपन पेटी केस के बारे में बोल रहा है और तू पोटी केस के बारे में। ए, जल्दी आ, जल्दी आ। ए, ऑटो रुक। ए, स्टॉप, स्टॉप। मैडम कहाँ जाना है? हाँ, अस्पताल जाना है या कब्रिस्तान, अभी बताती हूँ। अंदर रख, अंदर रख। उसके मीटर को ऑफ कर दे, सुबह से हम दोनों केस के लिए परेशान थे ना, मस्त केस मिला है। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। हैं, तमिलनाडु आई हो ना, खुद ही पढ़ लो, नीचे नाम भी लिखा है उसे भी पढ़। तेरी जात का है, कह रही है ना पढ़ना। ए, जोर से पढ़ बे, इस मैडम का एक साइड का आउट है, मतलब कान का मीटर आउट है। नागिन का भरोसा करो, मगर हस्ती लड़की का भरोसा ना करो। लड़की पर भरोसा नहीं है तुम्हें, लेकिन नागिन पर है। हाँ बेशक। क्यों बे? ये मुंह और मसूर की दाल, किस लड़की ने देखा और किसने तुम्हें धोखा दिया? तेरा नाम क्या है? नागराज। ओ, तुम्हारा नाम नागराज है, इसलिए नागिन पर भरोसा करते हो? तुम्हें नागिन पर कितना भरोसा है, अब मैं देखती हूँ। ये ले पकड़। अब साथ है या किसने कर रहे हो? मुझे किसी बदतमीजी है। अरे ओए, नकली सांप से तू डर रहा है और अपना नाम तू बताता है? नागराज। मानिए मैडम।
इतनी खूबसूरत लड़की की मुस्कान की वजह से आज के नौजवानों की धड़कनें चलती हैं। एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज। देखा अबे घनचक्कर, इनकी मुस्कान की तू कितना गलत मतलब निकाल रहा है। अगर ये मुस्कुराना बंद कर दे तो धरती घूमना बंद कर देगी। बोल के खड़ी है, बंद करने बोल। ओके, प्लीज शट योर माउथ। अबे ओए, तेरी पिटाई अगर मैं करूँ तो मेरी बदनामी होगी, औरतें मारेंगी तो होश ठिकाने आएगा। ओके मैडम, स्टार्ट। ए, कुछ मत कर, ये उनका एरिया है, कुछ ऊंच नीच होगी तो समस्या हो जाएगी। समस्या हो गई तो मेरे बदले अंदर जाने के लिए मेरा आदमी है ना। क्या सुना मैंने? यही तुम मेरे अपने हो, मतलब मैं जान सकता हूँ? यही कि मेरी खातिर तुम कुछ भी करोगे। सुनो मैडम, थोड़ा अपन को सोचने दो प्लीज। अगर तुम कहो तो अपन सारी जिंदगी जेल में बिता सकता है। तूने अपन को अपना समझा है, इसलिए तुझे कुछ देना ही पड़ेगा। लीजिए ये पकड़िए, दूसरों के लिए अपन अंदर गया है, तूने अपन को अपना बोला है। हा? तेरे लिए अपन किसी की भी जान ले सकता है। तो खून कर सकती हूँ क्या? क्या हजारों खून करो? अरे मेरी अम्मा, माफी चाहता हूँ, मैंने जो लिखा उसको मिटाने के लिए बोल रही हो ना, वो देखिए। अरे ये क्या है यार, हमें तो लगा ये बहुत बड़ा केस है, लेकिन ये तो हमारे दिल पे ठेस है। स्टॉप कर यार, काफी डीप चली गई है वो। क्या ठेस बहुत डीप है? यही कि तुम मेरे आदमी हो। मेरा अपना कहा, तुम मेरे अपने हो कहा। भगवान के नाम पे कुछ दीजिए भगवान। तुम मेरे अपने हो कहा। अगर तूने नहीं भी कहा तो अपुन हमेशा तेरा ही है। हमारे हैं? अरे बेटू आ, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अरे लक्ष्मी, इसे भी एक कटोरी दो ना। लो बेटे। ए चल हवा ने दे। अरे वाह, आ रही है। फूलों से स्वागत करके आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। फूल चाहिए क्या? एक टोकरी और फूल। अबे लाश के फूलों से अपन के गर्लफ्रेंड का स्वागत कर रहा है। आप और धूप में? नहीं नहीं, छतरी के साथ साथ आइए प्लीज। इसे मेरा आदमी कह के गलत कहा। अश्लील किताब है। Use counter? Hit him, hit him. Come on. तेरे लिए अपन अंदर जाएगा। वो क्या मारेगी? वो आपकी है। ओके दादा। मोती, मोती। वो बाहर गया है। यार तुम, मोती। पहचान लिया। बढ़िया केस है। अहमदाबाद के सेठ जी हैं। दौलत के नशे में कुछ कर दिया। अगर तुम इल्जाम को सर पे ले लिया तो पैसा ही पैसा है। देखो साहब, आइंदा अपन के पीछे मत पड़ना। अपन का दिल एक लड़की ने हिला के रख दिया, अपन इसे हिलाने के लिए जा रहा है। बोला ना, डोंट डिस्टर्ब मी। ये क्या, मैं इसकी जिंदगी को रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि अंधेरे की तरफ भागे चले जा रहा है। जिंदगी को रोशन करेगा? तेरे भरोसे दुनिया में आया? तू अपनी जिंदगी रोशन करने की सोच। इस हाथ को पकड़ने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रहा था पता है? छोड़ना। हाथ छोड़। हे प्रीति। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हाथ मिलाया। ए,
टीवी बंद कर। टीवी बंद तो रेडियो चालू। शिट! ये स्टार्ट नहीं हो रहा। बकवास गाड़ी है। ओ हाय मिस्टर नागराज, आपने तो मेरे दांत उखाड़ दिए ना, पीछे देखिए। नारी जगत की देवी है, मान गई, बहुत जल्दी बदल गए। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मुझे बेसंत नगर तक जाना है। मुमकिन नहीं, अपन किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाएगा। जेल नहीं जाएगा? अरे आखिर हुआ क्या है तुझे? देख भाई, बचपन से लेकर आज तक अपन केवल दूसरों की खुशियों के लिए ही जी रहा था जेपी भाई, इसलिए दूसरों की गलतियों के लिए अपन जेल गया। लेकिन आज के बाद अपन जिएगा तो केवल प्रीति के प्यार के लिए जिएगा। Don't disturb me. Hey, सोच ले, तू बाद में बहुत पछताएगा। नहीं, अपन तो सही जा रहा है। सही रास्ते जा रहे हो? हेलो, हमें राइट नहीं लेफ्ट में जाना होगा। तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ मैं लेफ्ट जाने के लिए। आज तेरी पूजा करने जा रहा हूँ, इसलिए राइट जाऊंगा। क्या मतलब? नहीं समझी? आज ये नागराज तेरी मस्त मस्त जवानी से खेलने वाला है, आप उनके साथ तेरी दाल नहीं गलने वाली। दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। मतलब तू आज से हमारे लिए कभी जेल नहीं जाएगा? देख मोती, तुम्हारे भरोसे मैंने पुलिस वालों से पैसे ले रखे हैं। बात सुन, तुम्हारे लिए ये आखिरी केस होगा। देख जेपी, अपन की भी बात सुन ले, केस के सिलसिले में यही आखिरी मुलाकात होगी। ए मोती, मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। अरे यार, तेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचने वाली, आई बात समझ में? नागराज से खेलती है, नागराज से। देख, अपन के सभी यार आने वाले हैं, आज तुझे असली नाग दिखाता हूँ। मैडम, तेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है, एक नहीं कई सारे नाग तेरे चक्कर लगा रहे हैं। इंडिया में हो तो बी इंडियन बाय इंडियन। मतलब इंडिया में हो तो इंडिया की चीजें ही खरीदो। नीचे कुछ और लिखा है भाई। अरे मैडम, ये क्या, ऊपर इंडिया नीचे अमेरिका, मैप को उल्टा कर दिया आपने। यही देशभक्ति है? ये बहुत बुरा है। उतारो उतारो कपड़े, जल्दी उतारो। प्लीज देखिए, छोड़ दीजिए मुझे। सुन सुन मेरी बात सुन, चल हटना। तू चाहे कुछ भी कर ले, अपन तुझे कपड़े की तरह फाड़ के रख देगा। अरे जल्दी, अपन का मूड आ गया। मेरी जान को कौन छेड़ रहा है? तुम जैसे ऑटो वालों की वजह से ही अच्छे ऑटो वालों के नाम भी बदनाम हो रहे हैं। छोड़ो, गाना छूना मत। Oh!
आई लव यू बोलो तो दर्द कम हो जाएगा। नहीं, वक्त आने पर जरूर कहोगे। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहती हूँ, इसलिए दिल को काबू में रखो। I'm not afraid.
तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम कुछ मत बोलो बेटी, अगर तुम्हें यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो तुम्हारे केस को डील करने के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट बनवाना पड़ेगा। पहले से यहाँ बहुत सारे स्पेशल कोर्ट्स है, गाड़ी में बैठ। मुमकिन नहीं पापा। हॉस्टल वार्डन ने कहा कि मेहरबानी करके आपकी बेटी को यहाँ से ले जाइए, वरना हॉस्टल की बदनामी हो जाएगी। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। मैं बिल्कुल बदल गई हूँ पापा, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। सारे ऑटो वाले भी तुम्हारे खिलाफ ट्रैक में उतरने वाले हैं। सीधी तरह गाड़ी में बैठो, अगर तुम्हें और यहाँ रखा तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, कहाँ ना बैठने के लिए। हाय मोती बोल रहा हूँ, प्रीति है वहाँ पर? किस बारे में बात करनी है? हाँ, बात दरअसल उसे तोहफा देना है। प्रीति है क्या, उसे बात करनी है? अब वो यहाँ नहीं रहती है। कहाँ कहाँ गई मालूम है आपको? वो सब मुझे मालूम नहीं, आज के बाद फोन मत करना यहाँ। सर सारे टिकट कंफर्म हो गए, इसमें से एक ही यूज कर पाएंगे। सिनेमा टिकट होता तो ब्लैक कर सकते थे। शट अप। सॉरी सर। मैं कहां और किसने जा रहा हूं किसी को खबर नहीं होती। ठीक है सर। क्यों जी? टिकट कंफर्म हो गई ना? टिकट तो मिल गई मगर एक ही मिली। एक बात सुनिए, पहुंचते ही सिर्फ बिजनेस में मत लग जाना, साथ साथ अपने बेटे को भी ढूंढना। ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है मैं चलता हूँ। रामनाथ किसी और के नाम पे टिकट बुक करके हमें धोखा दे रहा है। सर रामनाथ, इस बार तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। आर यू मिस्टर शंकरलाल? ओ सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, आर यू मिस्टर शंकरलाल रेडी टू टेक ऑफ? ओ आई एम सॉरी। इट्स ओके। अरे रामनाथ कहाँ गया? प्लीज कम फास्ट सर। वो स्टेट सर। किस फ्लाइट से जा रहे हैं आप? बिना टिकट के एंटर नहीं कर पाएंगे। हटो हटो हटो। शिट, इस बार भी बच निकला साला। आपके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में सात समंदर पार करके अपने देश का सम्मान को बढ़ाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डैडी डैडी, ये सब मेरे डैडी का दिया एनकरेजमेंट का नतीजा है। अर्जुन ठाकुर की आंखों में धूल झोंककर जब भी बेटे से मिलने आता हूं तो मेरी उम्र घटती जा रही है और मेरा बीपी बढ़ रहा है। वो शैतान है, तुम्हारे बेटे की देखभाल मुझसे नहीं होगी। ऐसा मत बोलो गोपाल, मैं 18 साल पहले सिंसियर कलेक्टर हुआ करता था। चंदन तस्कर वीरभद्र के भाई वीर प्रताप को अरेस्ट किया था। वीरभद्र को भी अरेस्ट करने का प्लान बनाया। अच्छी तरह से जान लेगा वो कलेक्टर। hey, इस लड़के का तड़पता हुआ फोटो निकालो। एक फोटो उस कलेक्टर को भेजो, एक उसके बाप को भेजो। Yes sir, okay sir, thank you sir। स्विमिंग में चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लाइम करने वाला मेरा बेटा आज तुम्हारी लापरवाही से मौत से जूझ रहा है। जंगल में रहकर वो डाकू क्या क्या मांगेगा उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, और इसी वक्त उसकी सारी डिमांड को तुम पूरी करोगे और उसकी सारी डिमांड मेरे लिए थू। आई वॉन्ट माई सन। तुम्हारे बेटे को उसके चंगुल से बचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। प्लीज कूल डाउन। सर सर प्लीज। ए संतोष, तुम यहाँ कैसे? इसको क्यों लाए हो? मैं कराता हूँ, अभी तुम जाओ। जाओ जाओ, इसे ले जाओ, जाओ जल्दी ले जाओ, जाओ। सर सीएम सेक्रेटरी ऑन द लाइन। सर कलेक्टर, ये क्या कर रही हो? असेंबली में विपक्षी दल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। सर 24 घंटों में उसे पकड़ लूंगा। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के धूप और बारिश की फिक्र किए बिना हजारों पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं। हमें रोकिए मत। आज एक बच्चे की खातिर उसे छोड़ने को कहेंगे, कल पकड़ने को कहेंगे। अगर इसमें रुकावट ना डाले तो इस ऑपरेशन को सक्सेस करके दिखाऊंगा। आई बात समझ में? अगर मैं फेल हुआ तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। प्लीज ओके, तुम्हें जो ठीक लगे करो। थैंक यू सर। एसपो एक्सक्यूज मी, कम हियर प्लीज। ये लेटर सीएम ने तुम्हें दिया है। मैंने सीएम को ही ना कह दिया है, तुम ऊपर से लेटर लेके आए हो। लेटर लो, ये रख लो। पापा,
बात अगर मान ली होती तो आज ये बच्चा इस तरह से जल्दी नहीं मरता। मेरा बेटा, मेरा बेटा मर गया। बस एक ही बलि चढ़ाई वही काफी है। तुम लोगों के लिए ही मेरी आखिरी आर्डर है। मैं हार गया, अब किसी की जान नहीं जाएगी। क्या बोला, क्या बोला? और कोई नहीं मरेगा तो मेरा बेटा। जब उस कमीने ने कहा कि इसका अगला शिकार तेरा बेटा है तो तेरी फट गई ना। जब मैं अपने बेटे के लिए रो रहा था तो ड्यूटी ड्यूटी ककराज मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दिया ना। लुक मिस्टर, वो तेरे बेटे को मारे या ना मारे, लेकिन आप उन तेरे बेटे को जरूर मारेगा। I will kill him. जो दर्द अपन भुगत रहा है वो तू भी भुगतेगा, भुगतना होगा बहुत जल्द। Count your days. अर्जुन ठाकुर का बेटा गुजर गया, उसके बदले में वो मेरे बेटे की जान लेने आया, तब मेरा बेटा गुम हो गया। ऐसी अफवाह फैला के मेरी पत्नी को विश्वास दिला के बेटे को तुम्हें सौंप दिया। क्यों पता है, सोचा एक न एक दिन अर्जुन ठाकुर का मन बदलेगा और वो इंसान बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं बदलेगा। वो हर दिन अपने बेटे का मरण दिन समझकर मेरे बेटे से बदला लेने की सोच रहा है। प्लीज, वो आम आदमी होता तो मैं चुप कर दिया होता, लेकिन वो शैतान बन चुका है, अब उसे भगवान भी नहीं बदल सकता। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए ना सही, मेरी पत्नी के लिए तुम्हें ये मदद करनी होगी। गोपाल, मेरी बात सुनो। तुम अपने बेटे को अर्जुन ठाकुर के बारे में सब कुछ बता के उसे यहाँ से लेके चले जाओ। अगर उसे लेके गया तो अर्जुन ठाकुर को बता देगा कि उसका दुश्मन मैं ही हूँ। उसको ले जाने का सही वक्त ये नहीं है। गोपाल, गोपाल, संतोष, फादर आए हैं। आज संडे है ना, फादर को बोलना कि चर्च में जाके बैठे। वो फादर नहीं, तुम्हारे फादर। ओह डैड, माय डैड। डैड, और कितने दिन तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है? आप और मम्मी वहाँ और मैं यहाँ, ये बताइए माँ आपके साथ है या फिर माँ को भी अलग कर दिया आपने? है ऐसा मत बोलो बेटा, किस्मत ने हमें अलग कर दिया। हाँ बेटा, किस्मत को हम बदल नहीं सकते। What? किस्मत को हम बदल नहीं सकते। अभी अभी देखता हूँ। अरे आप कहते आ रहे हैं ना कि इस दुनिया में किस्मत और शैतान का ही राज है, मैं बदल के दिखाता हूँ। संतोष, आज आपके सामने किस्मत को बदल के दिखाऊंगा। आज आप दोनों को दिखाना चाहूंगा, इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, जस्ट वन बुलेट डैड, जस्ट वन। संतोष बेटा नहीं, अगर इस दुनिया में शैतान का ही राज है तो मुझे जिंदा रहने का मैं तुम्हारे पांव कोई हक नहीं है डैड, मुझे मरने दो। शैतान हार गया, इस दुनिया में शैतान का राज नहीं है। संतोष नहीं बेटे। गोपाल जी, आपने कहा था ना रामनाथ कि हम किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। मैं अभी बदल के दिखाता हूँ, ये फादर जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, नहीं। किस्मत में साथ नहीं दिया, अब तुम क्या बोलते हो मिस्टर रामनाथ? संतोष नहीं बेटा, रामनाथ इसे समझाओ। संतोष है नहीं बेटे, ये भी देखता हूँ। तुमने मेरी कमजोर नस को पकड़ा है, तुम मेरी कमजोरी को जानते हो गोपाल। इस दुनिया में अकेली सबसे बड़ी, अकेली सब कुछ है, अकेली सब कुछ है। इस अकलमंद बेटे को अपने साथ लेके जाने के लिए बोलो। सुना नहीं तुमने? लेके जाने के लिए इसे अपने साथ ले जाओ। ये मुझे क्या करेगा? ये मुझे मेरी माँ के पास ले जाएगा। संतोष रुको बेटा, गोपाल इस हाल में उसे माँ के पास ले गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसकी माँ की जानकारी के बिना एक वीडियो कैसे लाया हूँ, चलो प्ले करो इसे। संतोष तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कितनी परेशान है अभी पता चलेगा, वो देखो। माँ, मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश हो। चलो खाना खाते। मेरा बेटा कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? तो मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा जाना जरूरी है। संतोष का ख्याल रखना तो। माँ,
आइए सर। नमस्ते। मेम साहब नहीं आई क्या? एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहा हूँ, इसलिए घर नहीं जा सका। मुमकिन नहीं मोती, जैसा तुम समझते हो वैसा केस नहीं, मामूली है। इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढो, अब उनसे नहीं होगा। अरे यार साहब लोग बोल रहे हैं मान एक बार बोल दिया ना। नहीं, उस मोती को कैसे मनाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आइए फॉलो करते हैं। ये तो खाम खाम पीछे पड़े। सॉरी, भाई वो जो ब्लू साड़ी वाली है ना। हाँ भाई, वही ब्लू साड़ी वाली है, तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें बुला रही है। लाइट तो देखे जा, ऑल द बेस्ट ओके। ये साड़ी सचमुच अच्छी है। हे, लगता है पागल है ये। मेरे पति ने मुझ पे कभी हाथ ही नहीं उठाया। मैं भी तब से देख रहा हूँ लड़कियों के चेहरे पर लाइट मार के उन्हें तंग कर रहे हो। ये कैसा स्टंट है तेरा? सर ये मेरा स्टंट नहीं है, पता नहीं तेरा स्टंट नहीं है। ए, कॉल द पुलिस। कमिंग सर। ये क्या पुलिस इतनी जल्दी आ गई? नाम लेती ही पुलिस आ गई? यही तो भारतीय पुलिस है, लेते हैं ना। पकड़ यार। ए, राजा राजा मोती राजा, हम लोगों की रक्षा करो ना। ए, तू भी एक पुलिस है, गुंडे के सामने रो रहा है? सर आपको गलत फहमी हो गई है, वो तो हमारे लिए रखवाला है सर, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे पदोन्नति होगी सर। सर जी जिस दिन हमारी बोनी नहीं होती है ना, तो यही किसी के इल्जाम को अपने सर के ऊपर लेके 5-6 महीने जेल के अंदर बिताते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा? जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उसे बलि का बकरा नहीं तो क्या कहेंगे? ऊपर वाले की कसम, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मुझे भूल जाओ। ओके मोती, मोती, मोती। वो तेरे बेटे को मारे या ना मारे, लेकिन आप उन तेरे बेटे को जरूर मारेगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसे किसी भी तरह ढूंढ कर लाइए। इस अखंडमन बेटे को अपने साथ लेके जाने के लिए बोलो। सुना नहीं तुमने? लेके जाने के लिए इसे अपने साथ ले जाओ। जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उसे बलि के बकरे नहीं तो क्या कहेंगे? हेलो। अपने इकलौते बेटे के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया है मैंने। फैसला कर लिया तुमने? अर्जुन ठाकुर मानेगा? नहीं, मैं बेटे को बदल रहा हूँ। बेटे को बदल रही हो? अर्जुन ठाकुर को बलि चढ़ाने संतोष की जगह किसी और को खड़ा करने जा रहा हूँ मैं। उसे मेरा बेटा समझकर खत्म कर देगा वो, मेरे बेटे को मारने की खुशी में जश्न मनाएगा वो, और इसी वक्त मौत को मात देने की खुशी में मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। डन। देखिए सर, इस दुनिया में अपन का अपना कहने वाला कोई नहीं है। होश संभालते ही अपन जेल कोर्ट यही सब देखते आ रहा है। हाल ही में अपन ने किसी को दिल दे बैठा और अपन उसी की तलाश में जा रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तुम्हें कोई भी रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर उस रिश्ते को ठुकराओगे तो मैं तुम्हें पैसों से नहलाऊंगा। देखो सर, वैसे ये माता जी कौन है? वही तुम्हारी माँ है। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा सर। सर आपका आपका कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटी तो है ना? नो नो, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी है। समझा सर, जब आपने बोला तो अपन को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन माँ जी का फोटो देखने के बाद ही अपन ने अपना इरादा ही बदल दिया। अपन अभी घर चलता है साहब। देखो बेटा, अगर मेरी वाइफ को मालूम हुआ तो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या सर, वाइफ नाइफ? माँ बोलिए सर, माँ। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि तुम मेरे दत्तक पुत्र हो। लोगों के सामने तुम्हें मेरे ओरिजिनल बेटे संतोष हो, क्योंकि अगर उसका बेटा इस जन्म में नहीं मिला तो वो दम तोड़ देंगी। सर ये मोती जान दे देगा, लेकिन राज नहीं खोलेगा। प्रीति डार्लिंग, अपन तेरे लिए आ रहा है। इस माँ शब्द की महिमा ही कुछ और है। माँ जी आपका बेटा मिल गया। हाँ हाँ, हमारा संतोष मिल गया।
सच कह रहे? हाँ माँ जी हाँ, साहब की मेहनत और आपकी पूजा बेकार नहीं गई, सच कह रहा हूँ माँ जी, कल साहब अपने साथ लेकर आ रहे हैं। मेरा ही बेटा है ना? ये भी कोई बात है? साहब ने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं, ये आप दोनों का ही बेटा संतोष है। मेरा बेटा मिल गया। हाँ माँ जी वो आने वाला है। देखो मेरा बेटा मिल गया, तुमने सुना मेरा बेटा मिल गया, यही मेरा बेटा है, देखा कितना सुंदर है। मेरा बेटा मिल गया, तुम भी देखो ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मिल गया मुझे, तुमने देखा सुना तुमने मेरा बेटा मिल गया मुझे, मेरा बेटा मिल गया, ये देखो मेरा बेटा, ये रहा मेरा बेटा मिल गया। जरा फोटो दीजिए, बेटे के आने की खुशी में सारे शहर में उसके पोस्टर लगवाने, ऐसा करने का हुक्म बड़े मालिक ने दिया है। अच्छा किया, जिन लोगों ने कहा था कि मेरा बेटा नहीं आएगा उन लोगों को पूरी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन किसी की बुरी नजर उसको नहीं लगनी चाहिए। जल्दी आओ बेटे। मैं नहीं आऊंगी, किसी अहरे गहरे दूल्हे को देखने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। बेटे मेरे होने वाले दामाद को अहरा गहरा कह रही है, मेरे दोस्त रामनाथ का इकलौता वारिस है, जरा फोटो देखो। मुझे नहीं देखना। सुनिए जी, दामाद के आने का टाइम हो गया, आप समझते नहीं, आपके अकल पे ताला पड़ गया। जब तक मुझे दो बार गाली नहीं देगी तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, जाओ यहाँ से जल्दी, जाओ जल्दी से आइए। बेटी पहले फोटो तो देखो ना, कितना मासूम चेहरा है, देखने के बाद तुम खुद कहोगे कितना अच्छा लड़का है। डैडी बार बार ये चेहरा देखो वो चेहरा देखो कहते रहेंगे, फिर मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। बेटे गलती से भी इसकी नजर अगर तुम पे पड़ गई ना तो ये फिदा हो जाएगी। मेरा बेटा अब तक आया क्यों नहीं? इतना इंतजार कर लिया है, थोड़ा और कर लीजिए। पहली बार बेटा घर आया है, समय बिल्कुल ठीक नहीं है पता है ना, फिर क्यों लेकर के आए? बलि के बकरे ऐसे ही समय पर लाया जाता है ये मत भूलो। सर नहीं समझे? वो वही तुम्हारी माँ है। क्यों सर, किस लिए रो रही हैं? मैं पसंद नहीं हूँ क्या? चचा हाँ, बरसों बाद तुम्हें मिल रही है ना, इसीलिए। ठीक है जाओ। ये प्रीति कहाँ गई, यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। मुझसे बात नहीं करोगी? चाहे मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। माँ थोड़ी देर तुझसे बात नहीं की तो इतना तड़प रहा है, 20 साल तो मुझसे दूर रहा, सोच मैं कितना तड़पी होंगी। मैं भी प्रीति से मिलने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। माँ को याद करके एक भी चिट्ठी लिखी तूने? 5 साल की उम्र में मैं गुम हुआ था, कहाँ था ये भी याद नहीं, अगर याद रहता तो खुद ही आ जाता मैं। हाँ बेटा मैं भी कितनी पागल हूँ, लेकिन अब मुझे तो छोड़ के नहीं जाएगा ये वादा कर। माँ मुझे नहीं छोड़ेगा ये वादा कर। ठीक है उठ जाओ माँ, पहले तू वादा करके मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। उठ जाओ माँ। संतोष हट जाओ, विद्या उठो, अब बेटा आ गया ना, अब वो चाहेगा तो भी हमें छोड़ के नहीं जा सकता। जुले राजा, जुले राजा, जुले राजा, अरे वाह जुले राजा, वाकई मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, दामाद का चेहरा हीरो की तरह चमक रहा है। मेरी किस्मत तो फूटी थी जो आप जैसा कांटेदार पति मिला। ए, अपना मुंह बंद कर, मद्रास है कि आउट ऑफ फोकस में तुझे पसंद किया था। दूल्हे राजा तुझे देखकर मुझे राणा की जवानी याद आ रही है। संतोष से मिलने बहुत लोग बाहर खड़े, चलो
दामाद जी जरा कोट उतारिए। किस लिए? ओहो, गायब हुआ बेटा जो घर वापस आता है, कोई दाग है, कोई निशान है, पुरानी पिक्चरों में ढूंढते हैं ना, ठीक उसी तरह। जल्दी से निकालिए। हमेशा फिल्मों में खोई रहती है। मेरा संबंधी कौन है? एक्स कलेक्टर। सिर्फ वो ही नहीं, सब कुछ चेक करके लाए होंगे। थी कहाँ गई? क्या हुआ दूल्हे राजा, कुछ खो गया? कुछ नहीं। मेरी बेटी ना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? वो पता नहीं क्यों आपके आने की खबर सुनते शर्मा के घर में बैठी। अच्छा? है। शर्म वाली बात तो हमारी परंपरा में है ही नहीं, पता नहीं आज क्यों शर्मा रही है। चलो दूल्हे राजा घर चलते हैं। अपने मोती को देखे बिना एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। प्रीति, मोती के अलावा मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ए प्रीति, ए मोती, मोती, सॉरी मोती, अचानक पिताजी मुझे यहाँ पर लेके आ गए, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी। अभी भी मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रही थी, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। चलो चलो। किस लिए? किस लिए? यहाँ पे एक बेवकूफ दूल्हा बनकर आया हुआ है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी इसलिए। हे, कोट सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मामा ने दिया है। हाँ? मेरे मामा ने? ये क्या बोल रहे हो? बेटे के लिए बापी तो खरीद के देता है। मतलब मूर्ति संतोष? हाँ? साहब, ये सब मेरी उम्मीद से बढ़कर है। देवी जैसी माँ, आप देवता समान है सर, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपके लिए। इसीलिए तो बुला कर लाया हूँ, उठो। ठीक है ठीक है, रात बहुत हो गई, जाके सो जाओ, जाओ। ठीक है सर। सर आपका ये एहसान मैं भूलूंगा नहीं। वाटर पिस्टल हाथ में है, इसको काम नहीं दे पा रहा हूँ यार। अरे वाह, क्या मस्त पटाखा है। आगे देखते जाके क्या होने वाला है। उठा के ले जाऊं? अबे पहले भी लौंडिया के चक्कर में तू फंस चुका है और तेरे बाप परेशान थे ये मैं ही जानता हूँ। अब तुझे सुधारने के लिए इस शहर में भेजा है, यहाँ किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अरे किसकी मजाल है जो मुझ पे हाथ उठाएगा। यस रामनाथ जी, बेटे के आने की खुशी में मौत को भूल गए क्या? तेरा बेटा मौत के मुंह पर खड़ा है, उसके आने की खुशी में तूने पोस्टर चिपका दिया और उसके मरने की खुशी में मैं चिपकाऊंगा। तेरे बेटे को अब टपकाने जा रहा है। ये उसी लड़की का आशिक है, ये बहुत ही खतरनाक है। अरे चलो यार भागो यहाँ से। हाँ, कोई हाँ। गाड़ी निकाल। Thank you.
प्रीति, 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 निशाना मुझे लगाया, लेकिन प्रीति, प्रीति को गोली लग गई, प्रीति। अंदर जो लड़का आया है उसे अर्जुन ठाकुर मारेगा, बेटे के गम में माँ भी मर जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि माँ जी को सच्चाई बता दें, वो आ रही हैं। अरे हाँ सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम शॉक मत हो ना, जो यहाँ आया है वो हमारा बेटा नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं? दरअसल हेलो, आज मेरा निशाना चूक गया, वो तेरा बेटा नहीं है, ठग है, बड़ा ठग, 18 साल तक मेरी नजरों से दूर रखे, सारी ट्रेनिंग दी ना तूने उससे, मुझसे टक्कर लेने के लिए तूने उसे बड़ा किया है ना, ये मत सोचना कि वो बच गया, उसका और मौत का फासला बहुत ही कम है। सुनिए जी, अब क्या बोल रहे, वो अपना बेटा नहीं है क्या? सच कहिए ना। अभी बोल रहा हूँ, हमारा बेटा नहीं है, हमारी खुशियां लौटाने वाला देव। सर चुप। हाँ विद्या, हमारे संतोष के आते ही बिजनेस में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, फोन पर यही बात हो रही थी। आप भी ना, मेरी तो जान ही चली गई थी। एक बार ध्यान से सुनिए, आइंदा मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें मत कीजिएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी, कह दिया। पहले आते से उसकी नजर उतारनी होगी, लगता है आप ही की बुरी नजर लग जाएगी। फोन पर किससे बात कर रहे थे और संतोष को भगवान क्यों कह रहे थे? कोई दूसरा चारा नहीं, वो अभी तक जिंदा है। ये बात है, वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, ऐसा ठाकुर भी बोल रहा है, कहीं मेरा प्लान गलत तो नहीं रहा? हर बार इसी तरह बचता रहा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, और कब तक अपने बेटे को घर लाऊंगा? सर, अपने बेटे को यहाँ लाने के लिए आप कितनी मशक्कत कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मेहनत बेकार नहीं जाती, खुशियाँ जरूर आएंगी। खुशियाँ कैसे आएंगी भला, उसकी खुशी इस कैसेट को देखने में ही है, इसी भी तुमने नहीं भेजा? सर मैं पहले ही उसे भेज चुका हूँ। कोई तुमने गलत कैसेट भेज दिया, दूसरा कौन सा कैसेट भेजा तुमने? Enough. Thank you, darling. संतोष, तुम्हारे पापा ने कैसेट कब आया? आज सुबह। लेट, सब में लेट, इसी तरह लेट करते रहोगे तो लेट गोपाल कहलाओगे। प्ले। लेकिन अब मुझे तो छोड़ के नहीं जाएगा ये बादाकर। ये क्या माँ? माँ? मुझे नहीं छोड़ेगा ये बादाकर। रामनाथ तुमने बहुत बड़ी। पहले तू वादा करके मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, उठ जाओ माँ। पहले उठ जाओ माँ। गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, संतोष यहाँ से भाग गया, मैं अभी एम्बेसी गया था, उन्होंने बताया मुझे फ्लाइट निकल चुकी है। इस सब का कारण तुम ही हो, तुमने जो कैसेट भेजी उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया, अब डुप्लीकेट को मारने के लिए वो इंडिया आ रहा है। गोपाल उसको घर का पता मालूम नहीं है? घर का पता तो ढूंढ ही लेगा, अब वो जब भी तुम्हारे पास पहुंचेगा तुम ही उसे संभालना, मुझे भूल जाओ। 18 साल से जिस राज को मैंने छुपा के रखा उसे एक कैसेट के जरिए खोल दिया तुमने। सॉरी सर। सॉरी क्या है सर? एक्सीडेंट। क्या तुम लोग? उस अर्जुन ठाकुर की गोली से प्रीति मरने वाली थी, खुदा का शुक्र है वो बच गई, अगर सिलोंडे को खबर हो गई तो बखेड़ा खड़ा कर देगा, सिर्फ इतना ही नहीं ठाकुर को भनक होती तो समस्या बढ़ जाती। सुनो, किसी भी कीमत पर ठाकुर मेरे बेटे से नहीं मिलेगा। हमारे प्लान के मुताबिक वो बंदर जैसे ही यहाँ आएगा तो उसे लेके जाना तुम। सभी यात्रियों से विनती है कि देखो वो आ रहा, हमें रिसीव करने के लिए कोई आया है। हेलो, इनसे पूछूंगा डैड के बारे में। आ गया साहब। आपने फोन पर की बात मुझसे कई मायने से समझा दिया है, मुझे साथ ही लेकर आया। क्या सर, मैंने सोचा आप मुझे रिसीव करने के लिए आए। ओके, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल दिस एड्रेस प्लीज?
वीडियो शॉप है। को इस तरह नीचे छोड़ता है क्या? अगर इस मासूम को कुछ हो गया होता तो do you know the value of child? Sir, you are really great, sir. एक काम कीजिए, ऐसी ही नसीहत मेरे बाप को भी दीजिए ना सर। आखिर क्या हुआ? आप जैसे नेक लोगों की नसीहत से मेरे बाप का मन तो बदल जाएगा। फिलहाल मैं अपने बाप से ही मिलने जा रहा हूँ। अगर आप फ्री हैं तो आप भी आ सकते हैं मेरे साथ। कम से कम किसी असिस्टेंट को भेज दीजिए ना सर। आपका नाम? फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। ओके सर। सर, 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 हे, ये क्या क्या हुआ? सुबह आने का वादा करके तुम क्यों नहीं आए बताओ? लेट हो गया। लेट हो गया तो फोन करके बताना था ना। दिन भर रिंग किया ना। दिन भर किया? मैंने तो नहीं सुना। ये सुनने वाला रिंग नहीं, देखने वाला रिंग है। रिंग मास्टर, अचानक ये गिफ्ट क्यों? मेरी जान जो बचाई। तुम्हारी जान? तो तुम्हें मारने आए थे, तुम मुझे क्यों? हे, तुम्हें भला कौन मारेगा? अगर मारने आ भी गया तो तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हारे पैर पड़ेंगे। मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। वैसे मेरे कई दुश्मन हैं, उनमें से कोई एक था। तो क्या हुआ, आइंदा होशा रहेंगे। ये क्या सिर्फ एक रिंग लाए हो? दो रिंग खरीद के कानों में लगाना पुराना फैशन है। वैसे आजकल एक ही रिंग लगाते हैं। इसे मैं कहाँ लगाऊंगा जानती हो? कहाँ कहाँ? बताता हूँ।
प्यार जैसे पर्वत है, प्यार जैसे पर्वत है, आंधी चले चाहे चले हवाए यार जलजला न चुके, प्यार करे जो उस पे ढाए जुल्म जमाना मगर न रुके, ये किसी भी तरह उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, या मैं मोती के साथ रहूंगा या मोती मेरे साथ रहेगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही कॉम्प्लेक्स है। जल्दी बताओ कितने पैसे हुए? 800 रुपए। ऐसे क्या देख रहे हैं, समझ में नहीं आया? मीटर में 8 नहीं है। 800 रुपीज। इस्त्री गर्म नहीं है। यू स्काउंडरल, आई शो यू नाउ। एक सिगरेट सुलगा ली मैंने, इतना गर्म है तुम्हारा मीटर? भिड़ो, ऐसा मीटर रहा तो बहुत लोगों को परेशानी होगी, इसलिए जस्ट क्लोज योर आइज। कम से कम आज के बाद से सही मीटर लगाना, ओके? मेरा मीटर तोड़कर कहाँ जा रहे हो आप? ट्रैफिक जाम होगा, पुलिस 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 बोल रहा है। बात सुन भीड़ू, मीटर के पैसे रख ले, मीटिंग मत बुला। मैंने मीटर को अप्लाई किया, इंजन की गर्मी से मीटर गर्म हो गए। पुलिस पुलिस। मोती मैं तुझे देखने आ रहा हूँ, वो भी एक केस के साथ। पुलिस। अरे ना, 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 रुक जा रुक जा रुक जा, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपके बदले जेल जाने के लिए एक आदमी है। क्या कहा तुमने? एक लौंडा मेरे घर पे आया, उसे ढूंढने आया हूँ मैं, अब मेरे लिए कोई और अंदर जाएगा? कौन है वो? है कौन है? जेपी तुम कब आए? अरे प्रीति तुम हो, सही वक्त पे एंट्री मारी हो, मेरी जान बचा ली मेरी माँ, गाली निकाल। ए जेपी, मेरा मंगेतर कौन है पता है? कौन है? तुम्हारा मोती ही मेरा बचपन का दोस्त और मंगेतर है। तब तो बड़ी खुशी की बात है, चल गाली आगे बढ़ा। और क्या चाहिए है? मेरे बच्चों की दिवाली हो गई। अरे मेरा ऑटो कहाँ गया? इतने बड़े घर का तो इकलौता वारिस है, इसे कहते किस्मत। ये सब मेरे लिए कुछ नहीं यार, मुझे प्यार करने वाला एक बाप, ममता लुटाने वाली माँ और मेरी जान प्रीति, यही सब तो मेरी खुशी है। तेरे लिए खुशी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं तुम्हारे नाम लेके जीऊंगा तब छोटे मालिक का कोई दोस्त आया है, वो गुलाब जल से ही नहाता है। इसका मतलब टैंक का पूरा गुलाब जल से भरना है क्या? मजा आ गया, मजा आ गया। तौलिया खाएं, ये रहा तौलिया। ये ले। फिर से वो लोग आकर आतंक फैला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, छोड़ो, मेरी बात सुनो, वो लोग बहुत खतरनाक है, बेवजह उनसे क्यों पंगा ले रहे हो? कुछ भी हो, इस तरह रास्ते में बैठ के पिक्चर क्यों देख रहे हो? मेरा रास्ता अलग है, रास्ता छोड़ दो। सुन लिया ना? रास्ता रोकना नहीं। चल फुट। आप अपनी सारी संपत्ति अपने जवाई राजा के नाम करने वाले हैं, ये आप होशोहवास में कर रहे हैं या फिर? मतलब मैं पागल हूँ? कहने का मतलब मैं पागल हूँ? हाँ मैं पागल हूँ, मुझे दूल्हे राजा बहुत पसंद है। अच्छा ये क्या दोनों कान पे दो लगे हैं? ये आपकी आवाज सुनने के लिए। और ये? ये मेरी आवाज खुद सुनने के लिए। मतलब मशीन के भरोसे चल रहा है? मानव जीवन भी मशीनी है। दूल्हे जी आपके लिए वसीयत। हाँ क्या? कहाँ है? उधर उधर। ठीक है ठीक है, जा जा। अच्छे ससुर हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। सारी संपत्ति दामाद के नाम कर दूं क्या? अच्छा आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम? सुनो प्रॉपर्टी मेरी है, मुपनर कौन है? ओहो वो सही सही पूछ रहे हैं, शुभघड़ी निकलने से पहले वसीयत लिखवा लीजिए। जुड़े राजा पहले क्या लिखना है, मोबल प्रॉपर्टी? मोबल प्रॉपर्टी
वैसे प्रॉपर्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी प्रीति ही है। वैसे जमाजी कमाल के हैं, आपकी क्लोजी प्रॉपर्टी का किस तरह मुआयना कर रहे देखिए। आप लिखिए वहाँ क्या तमाशा देख रहे हैं। पहले पुरुजों के बंगले से शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? वैसे गांव में जो 150 एकड़ जमीन है वो भी दामाद के नाम कर दूं क्या? सारी जायदाद दामाद के नाम करवा देते हैं, आगे उनकी मर्जी, वो जो चाहे करे। वो भी जुले राजा के नाम। अरे क्या हुआ? आपकी सारी प्रॉपर्टी को दामाद ने मुट्ठी में कर ली है। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में कई वसीयत लिखी हैं और लिखवाने वाले को भी ऊपर भेज चुका हूँ। आज पहली बार लाई लव सीन देखकर वसीयत लिख रहा हूँ। सुनिए साथ साथ एक और बात लिख लीजिए। बोलिए। कल अगर मेरे पति भूल कर भी फूटी कौड़ी मांगे तो भी नहीं मिलेगी, ऐसा लिखिए। आपको कोई ऐसा क्या? मुझे क्या है? बाय द वे दूल्हे राजा की एक फोटो निकाल कर इसमें चिपकाइए। आज तक किसी ससुर ने मेरे जैसा ये काम नहीं किया होगा, बिना हड्डी की जो जुबान है ना, इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए रेवेन्यू स्टैम्प को थूक लगा के ही चिपकाते हैं। ये भी कोई आपने लॉजिक की बात कर दी क्या? लिखिए। ये रामनाथ के बेटे की कार है, इसी में हमें बम फिक्स करना है। कम ऑन, मेक इट फास्ट, क्विक क्विक। डन। जैसा आपने कहा, कार में बम फिक्स कर दिया सर। वेरी गुड। कल वो प्रोग्राम के मुताबिक अपने ससुर की दी हुई गाड़ी में मंदिर जाने वाला है, लेकिन मंदिर पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे, मगर हमारे बम का धमाका 20 मिनट पहले ही हो जाएगा। उसकी कार को तुम फॉलो करो। क्या बात है, मुझे कैसे याद किया आपने? इसे पकड़ो। दिस कार इज फॉर यू, इट्स माय प्रेजेंटेशन। अंदर बम फिट कर दिया है। क्या बम? हेडेक के लिए झंडू बम, क्योंकि एसी जल्दी से एकदम ठंडा हो जाता है। सुनिए दामाद को अकेले भेजकर हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी साथ चलते हैं? नहीं नहीं, बाजी चलते हैं। जब तक उस कार में बम नहीं फटता, हम इस वैन से फॉलो करते रहेंगे। तूने उसके नाम कार लिख के दी, बड़ा बेवकूफ है। कार लिख के जिसने मुझे बेवकूफ करा है, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, उसके लिए क्या कहेगा बता मुझे? अरे पागल, तूने सारा काम बिगाड़ दिया। देखो तुम्हारे बेटे के नाम में कर दी, तुम्हें जलन हो रही है। अरे तू भी सुन, तुम्हें नहीं पता वो मेरा सगा बेटा नहीं है, अर्जुन ठाकुर को बलि चढ़ाने के लिए उसे लाया हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आप जैसे नौजवानों को इस आंदोलन में भागना चाहिए। गाड़ी को मोड़ दीजिए, कलेक्टर कलास नाथ के ऑफिस जाएंगे हम सब। भेजो, वरना ये लोग बेमौत मारे जाएंगे और तुम लोगों को भी लोथड़े नजर आएंगे। देखिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं, चाहे तो आपके लिए भी मन्नत मांगेंगे। आतंकवाद मिटाएंगे। अर्जुन ठाकुर मोती को जरूर मारेगा, उससे पहले प्रीति को उससे अलग करना पड़ेगा। रुक जाओ जमीन, आज मैं अपने कंप्यूटर सेंटर में जो आविष्कार करने वाला हूँ उसे देखकर दुनिया चकित रहने वाली है। दिस सॉफ्टवेयर शंकर लाल इज वेरी वेरी ग्रेट। दिल तो पागल है। एक्सक्यूज मी, देवी वीडियो शॉप कहाँ है? अंदर जाके पूछना। पकड़ लूंगा, आज पकड़ के ही रहूंगा। मेरी फ्रेंड सोचती कि तुम उनसे नहीं मिलोगे, उन्हें सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, इसलिए अब हम दुकान के अंदर जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा, जब तक ये दुकान नहीं खुलेगी मैं नहीं जाऊँगा। अब ये दुकान खुलने वाली नहीं है। हेलो, दुकानदार से कुछ इंक्वायरी करनी है। इस कैसेट में जो प्रोग्राम है वो किस घर में शूट किया है और वो घर कहाँ पर है, तुरंत मैं जानना चाहता हूँ। तब तो हांगकांग जाना पड़ेगा। हाँ भैया, नई फिल्मों की पायरेसी डीवीडी बनाकर पुलिस से बच करके सभी भाग गए। डैम इट, पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर कभी भी जा सकते हैं, अभी तो मेरे साथ आओ। कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है। मैंने उसकी मौत को फिक्स कर दी है, वो मरेगा। ओके बॉस। हाय प्रीति, ये रहे मेरे फियांसे। उस तरफ। कम। आजा। कलेक्टर रामनाथ के बेटे को आखिर मैंने ढूंढ निकाल लिया है, देखो।
थैंक यू। इस दिन मेरे कंप्यूटर को चकनाचूर करने वाली वो पटाखा वहाँ है। ओरिजिनल लड़का कंप्यूटर के अंदर है, अगर उसने आगे देख लिया तो आइसक्रीम की तरह पिघल जाए ये पिघल। यस सर। काल है। या। एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस आपको बुला रहे हैं। वन मिनट। क्या है? आइए आइए आइए। उस दिन मेरे कंप्यूटर को तोड़ के मेरा अपमान किया ना, और आज मैंने तुम्हारे सपनों के राजा को कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया है। देखो, दिस इज माय स्पेशलिटी। क्या इरादा है बोलो? ए स्टूपिड, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वहाँ है, वो देखो। या नेवर, ये डुप्लीकेट है। बराक ओबामा ने भी मेरे आविष्कार को मान लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो, मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हारा कंप्यूटर बच गया। मैटर को यही दफना दो। अरे चमक, चलो तुम्हारा मूड कैसा भी, उससे मुझे क्या लेना देना, वो तो फ्रॉड है। क्या बोला? फ्रॉड है? या तुम आ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें फोटो दिखाने से कोई फायदा नहीं है, उसे लाकर खड़ा करने से ही भरोसा करेगी। सर अंधा हूँ, मुँह धोना है, पाइपलाइन कहाँ पर है? मैं लाइफलाइन को ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें पाइपलाइन की पड़ी? इडियट। सर आप लाइफलाइन को ढूंढ रहे हैं? So you are blind eyes, I am eyes blind. अरे वाह, किसी ने मेरे लिए नई कार खरीद रखी है। अरे आजा आजा, अरे आजा भी यार आजा। ए, क्या हुआ? बलून शूटिंग। बलून शूटिंग, वाओ, मुझे बहुत पसंद है। आई सी। वैसे तुम बैकशॉट में भी एक्सपर्ट हो ना? हाँ? तुम मुड़ के शूट करो। मतलब बलून को? ओह गॉड, आई तुम मुझसे क्या क्या करवाना चाहती हो? आई गॉट द पाइप। एक वाटर पाइप नहीं रखते हैं, रखते हैं तो दो दो रखते हैं, एक हॉट पाइप एक कोल्ड पाइप। मुंह से पानी को चूसता हूँ। ये पट्टा कौन? अरे सामने से मार नहीं सकता, पीछे से क्या मारेगा, बलून को छू भी नहीं सकता। अभी देखो, चूस के भी पानी नहीं मिला, पाइप को नीचे करना। हाय हाय, झुक के चूसने के बाद भी पाइप से हवा ही आ रही है। इतने साल की सर्विस में आज तक ऐसा नजारा देखा नहीं। अरे कैसे पीछे से मारा? मैंने शूट नहीं किया, फिर गोली कैसे चली? मैंने कहा था ना बैकशॉट में भी एक्सपर्ट है। अरे आओ ना। अरे वाह, पता नहीं आज किसका चेहरा देगा, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। ओए होए, कैसे हुआ ये? अरे आए, हाँ ये तो स्टीरियो प्लेयर चुराने वाला चोर है, ये कैसे यहाँ? ओए ओए ओए, मुंबई में जब तेरी दाल निकली तो चोरी करने के लिए यहाँ भी पहुँच गया तू, उसे अंदर रख। अरे आप ही रख दीजिए ना। मुंह तोड़ दूंगा, तू ही रख। मैं ही रखूं? साला दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, जल्दी रख। क्या है क्या है? क्यों सर, आपकी गाड़ी है? ओए, आपकी गाड़ी से चोरी कर रहा था इसलिए मैंने उसे पकड़ा, आगे से सावधान रहिए। ऑल द बेस्ट। आओ प्रीति। उल्लू ऑल द बेस्ट कहता है। बाय बॉस, कार में बैठ गया, अब बम का धम धमाधमा होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन एक काम करना, तुम अपना मोबाइल ऑफ मत करना, मैं ब्लास्ट की आवाज सुनना चाहता हूँ। ओके सर। अरे यार कार में रखा बम फट गया तो अपनी गाड़ी भी उड़ जाएगी। कार रिवर्स लो, रिवर्स लो। बाय बाय। संतोष, मेरी फ्रेंड्स मुझे देख रही है, उन्हें जलाने के लिए मुझे जोर से एक पप्पी दो। पप्पी ना, अभी देता हूँ। यार देखा तुमने, हमने जो बम फिक्स किया बहुत पावरफुल है, उस कार में जो बम है उसकी बीप साउंड यहाँ सुनाई पड़ रही है। तुम्हारी पप्पी में इतनी गर्मी है, मैंने सोचा भी नहीं। मैंने अभी तक पप्पी दी नहीं। हाँ ये क्या कह रहे हो? ठीक है बाद में देना। सर कामयाब, बम फट गया। लेकिन हमारी कार में क्या? हाँ।
मिस्टर रामनाथ, वो लड़का आपको धोखा दे रहा है या फिर आप उसे धोखा दे रहे हैं, यही मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर शंकरलाल कभी हार नहीं मानेगा। क्या पकड़े हो? सारे टेस्ट में पास होने के बाद ही उसे बेटा माना है। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, वही मेरा बेटा है। यू आर रॉन्ग, यही ओरिजिनल है। मुझे कोई भरोसा नहीं कि ऐसा कोई बेटा है। खैर, तुम यहाँ तक आए हो इसलिए एक काम करो, ये जहां भी हो उसे ढूंढकर मेरे पास ले आना। इसके आते ही उसे भेज दूंगा। ऐसा करोगे मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 10 लाख! ये बात किसी से मत कहना, मैं लड़के को ढूंढ के लाऊंगा। जेबी, तेरे किए किराए पे पानी फेरने के लिए एक नमूना आया है। कंप्यूटर आज से तो लॉक्ड है। तुम भी इस बात को राज ही रखना, पहले इसे ढूंढ कर लाओ। तू मेरे सामने, मैं तेरे। अगर ये बात मैंने मोती से बताई तो हरिश्चंद्र बनके मुझे इस घर से निकाल देगा। हाँ, ये तो कंप्यूटर वाले की गाली है। ए, आज तू गया कबाड़ गया। अबे कंप्यूटर, सिर्फ तेरा प्लान ही नहीं, साथ साथ तेरी खोपड़ी भी नारियल की तरह फोड़ दूंगा। अभी आया। अरे मेरी गाली कहाँ गई? हाँ वहाँ है। तूने किसी को छेड़ा है, तुझे भी कोई छेड़ेगा, इसीलिए तो कहा है पूरे काम का बुरा नतीजा। कब मुझे बाहर फेंकने का पता नहीं। ये तो सोने की है। एक काम करते, से रख लेते हैं। तुम जिन लोगों ने मुझे इस घर में पनाह दी, तुम उन्हीं के घर में चोरी कर रहे हो, तुम्हारा मन कैसे हुआ जेपी? ये घर वाले मुझे बाहर करने के चक्कर में हैं। ये घर वाले तुम्हें बाहर करे या ना करे, मैं करता हूँ। फट फट बे, अगर बाहर निकलना है तो दोनों निकलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? वो क्या है कि, हाँ, तुम्हारी अकल छोटी है इसलिए तुम्हें डाउट हो रहा है। देख भाई, इस परिवार के लोग मुझसे किस कदर प्यार करते हैं उसके खातिर सुधर जाओ। चिल्ला चिल्लाना। क्यों चिल्लाने के लिए कह रहा है? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी। देखिए, देखिए ना। अरे क्या हुआ, जल्दी बचाओ। संतोष को क्या हुआ पता नहीं। देखिए संतोष को क्या हुआ, क्या हुआ? संतोष, अरे रे, ये तो अच्छा ही था, बचपन में भी इसे इस तरह के दौरे पड़ते थे। संतोष, 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 उठना। ये तो भगवान का चमत्कार है। दामाद यहाँ सीरियस है और आप हाथ दे रहे हैं? भूल से इनकी नस देख रहा था। इनकी नस पकड़ के देखिए। टेंशन। संतोष, क्या हुआ? देखो संतोष को क्या हो गया। क्या हुआ संतोष को? संतोष, संतोष को क्या हो गया? संतोष हम सबको छोड़ के चला गया। उठो संतोष। छोड़ो यार, फाइनल टच है, छूने दो ना उसे। संतोष, इस खुशी को तो मनाना पड़ेगा, कुछ हो जाए चीयर्स वाली बात। संतोष, क्या हुआ मेरे साथ? संतोष, संतोष, क्या हुआ तुम्हें? देखो बेटा, संतोष मर गया। संतोष, संतोष, बेटा, संतोष क्या हुआ तुम्हें? चश्मा उतारने का भी समय नहीं मिला, दम तोड़ दिया। क्या कह रहे हैं आप? कहने का मतलब ये मर चुका है। संतोष, संतोष, विद्या, 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 क्या हो गया इसको? तुम्हें सही क्या हुआ? संतोष, माँ, चुप कर तू यार। मैंने कब पुकारा? संतोष ने पुकारा। क्या कहा? चुप रही बाबूजी, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं इस कमीने को दिखाना चाहता था। सॉरी यार। एक्टिंग? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ माँ, ठीक हूँ। हे, मैंने तुमसे कहा था ना? तुम्हारी कसम माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। काफी वाज़ अ लवली स्केच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ। सुनो, मैंने तो ड्रिंक्स पार्टी के लिए कहा था, लेकिन अब तो लगता है कि ड्रिप्स चढ़ाने पड़ेंगे। सुनो, हमें जेल में फंसाने वाला इसी शहर में कहीं घूम रहा है, हमें पता चला है। वो कहाँ है, किसके साथ है, इसका पता तुम्हें लगाना है। प्रीति, गाड़ी में बैठो, तुम्हारे डैडी अस्पताल में है। क्यों? तुम चलो, मैं बताता हूँ। क्या हुआ डैडी को? मिल गया, अब कहाँ जाएगा? आ रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से यही हाल है इनका, दिल में कोई चिंता लेके टेंशन है इन्हें। डैडी, आज तक इन दोनों की जोड़ी मिल नहीं पाई, शायद यही टेंशन है इन्हें, मुझे ऐसा लगता है। अगर यही इनकी चिंता का कारण है तो शादी यही करवा देते हैं। मन का भार अगर कम हो जाए तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। आजा बेटी, इसके पास खड़ी हो जा। तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, हाथ उठाओ। चुप रहिए, इस उम्र में ये सब तो होता ही है, अभी कुछ ज्यादा हो गया। वहाँ देखो, खुशी में कितने उछल रहे हैं। हाथ उठाओ ना। ये क्या, इनका प्रेशर इतना ऊपर नीचे हो रहा है?
आप दोनों के कारण, आप दोनों को देखकर इनका प्रेशर इतना उछल कूद कर रहा है। आप दोनों प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। अरे क्या कह दिया आपने, बाहर जाओ डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट में कोई कमी है। वो जब भी बाहर आएगा मैं उसका काम खत्म कर दूंगा। सुनो तुम मेरा वहां इंतजार करो, मैं उसे यहाँ देखता हूँ। आज शंकर लाल ने अपनी मेहनत से कनेक्टिक होंडा खरीदा है। कनेक्टिक होंडा से होंडा सिटी खरीदना चाहता, अपने हाथ से फूल देना। गाड़ी के लिए भी थोड़े फूल दे दूं क्या? अरे दे ना। लक्ष्मी, आना। हाँ अभी लाई। जल्दी आ। अर्जुन ठाकुर के लिए खास बनवाया है। रंगीली, दिस इज नॉट हैंड, ये है ओरिजिनल इंडियन सिटीजन का। लेना तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। स्टफ चाहिए। नहीं, कहा कि यही मिलेगा, यहाँ वो सब नहीं बेचते। भी चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। अरे वो सब वो नीली गाड़ी वाली ले गए। अरे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा आज मैं, चल। ए, ए, स्टॉप, स्टॉप, ए, शिट। एक्सक्यूज मी, यू वांट लिफ्ट? लिफ्ट नहीं, ये गाड़ी मुझे गिफ्ट में दे दो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे जाना, सेठ जी से कर्ज लिए हैं, वो तुम्हें देख लेगा। अकेले क्यों खड़े, लिफ्ट चाहिए। यू आर गिविंग मी लिफ्ट? ओके, हम दिल दे चुके सनम। ओ सर, गुदगुदी मत कीजिए प्लीज, बैलेंस बिगड़ जाएगी। सर आपको गहना ही जाना है ना? हाँ भाई। ठीक है। मालिक नाम दे दीजिए बाबा, एक हाथ नहीं है राइट में। ओए एक बाबा, आपका भला कर। भगवान ने मुझे हाथ दे दिया। अरे भगवान ने मुझे हाथ दे दिया। लीजिए सर। क्या है ये? दो बार उस रामनाथ का बेटा मेरे हाथों से बच गया। इस बार उस लौंडे का मेरे हाथों से बचना मुश्किल है। टपका दूंगा। तू तो एयरपोर्ट में मिला था ना मुझसे। मैं तो शिकार करने आया था, तूने मेरा शिकार कर दिया। अरे मेरा निशाना तू नहीं, तू तो गलती से मेरे दायरे में आ गया था। मौत आएगी तो आएगी सर, और उसे कौन रोक सकता है। तुझे मरने नहीं दूंगा, तू तो मेरे बेटे जैसा है। इसे उठाओ, उठाओ, जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी से इसे अस्पताल में लेके जाओ। जाओ, मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। पुलिस वाले भी अजीब है, हाथ दिखाओ तो भी मारते हैं, ना दिखाओ तो भी मारते हैं। जल्दी केजी हॉस्पिटल चलो। सर दो मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे केजी हॉस्पिटल चलो। हाँ टूटा नहीं है तो हॉस्पिटल किस बात के लिए? अरे तू कहाँ ले जाएगा, मैं खुद जा रहा हूँ। धक्का मार यार, किधर गया, भाग गया। ए, अंधा है क्या, गाड़ी देके नहीं जा सकता? नमस्ते साहब। तू बाहर कब आया, यहाँ क्या काम है? कुछ नहीं साहब, इतने दिन तक मुझे जेल में रखने वाला अंदर गया हुआ है, उसे टपकाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तुझे मेरे काम करना होगा। नहीं नहीं साहब, पहले अपन उस कमीने को टपकाएगा। मेरी खातिर तू पहले एक आदमी को टपकाएगा? मजबूर कर रहे हैं। ओके साहब, अपन आपका काम करेगा। अगर अपन अंदर गया तो अपन को तुम बाहर निकालना, तभी अपन उसको टपका सकेगा ना। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। ओके। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ गया। क्या फिक्र मत करो, बहुत जल्दी। अरे चुप कर यार, अर्जुन ठाकुर जी को। अर्जुन तो महाभारत के पात्र है ना, जब तबीयत इतनी खराब है तो अर्जुन की बात लिख के क्यों बैठे हैं आप? एक बार इन दोनों की शादी हो जाने दो, हम सब गंगा में डुबकी मार के आएंगे। खुद तो डुबकी मारेगी, मुझे भी साथ में लेके डूबेगी। थैंक यू पार्टनर। तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी की तरफ पैसे बहाऊंगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पार्टनर, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान है। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो शौक लगेगा आपको। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया कुछ पता आपको? ठीक है, क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल को दुखाने वाला मेरे बाप ही है, उन्होंने मुझे धोखे में रखा है, पता है आपको? अगर आपने एक बार मेरे बाप का पता बता दिया ना मुझे, उसके बाद देखिएगा आप वो कौन है, पता है पार्टनर? क्या कहा, तेरे बाप ने तुझे धोखे में रखा, कौन है वो, उसका नाम क्या है? उनका नाम? ऐसे सवाल पूछने का वक्त है क्या ये? इन्हें आराम की जरूरत है, आप जाइए। खामुखा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहानी कहने के लिए तड़प रहा है और मैं कहानी खत्म करने के लिए, क्लाइमेक्स एक ही है। अभी उन्हें फोन करके 10 लाख लेकर रहूंगा मैं। वेयर इज द टेलीफोन बूथ? मेन गेट के पास है। टेक केयर। हाँ देखा है मैंने तुम्हें पैर से पलट के। देखा देखा बोल रहा, कहीं असली को तो नहीं देख लिया? हाँ अरे ये क्या,
पूरा परिवार यही है। ये क्या कर रहे हो? पहले से मैं अजमरा पड़ा हूँ यहाँ पर। लगता है यहाँ क्या कर रहे हैं? एक डाली वाला तुम्हारी पोल खुलने वाला है, उसका कुंडा निकालूंगा मैं। अरे देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के। अरे रे ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, आज लड़के को दिखा के 10 लाख यहीं पे कलेक्ट कर लूंगा मैं। धक धक करने लगा। पेशेंट का इंजेक्शन तैयार है। आपका लड़का मिल गया है, जल्दी से 10 लाख निकालिए। ये दाढ़ी वाला बच्चा कौन है? मैं कौन हूँ उसे छोड़िए, पहले मेरी बात को सुनिए। वेट एंड सी आंटे। आपको जो भी कहना है बैठ के कहिए। गवार है लेकिन अकलमंद है। प्लीज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, देखो जो भी कहना है बाहर जाकर कहना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काम मत बिगाड़ो। मैं बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आया हूँ। आप लोगों पर किसी ने जादू टोना किया है, उसे आपको मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। खामखा कुछ बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। प्रीति, कोई आपको पीछे से सुई चुबो रहा है और उसके पिछवाड़े में मैं ऐसी सुई चुबोने वाला हूँ? सर नहीं समझे ना? समझाता हूँ, अब देखिए उसे इस उंगली में किस तरह नचाऊंगा मैं। ये देख कर वो चकरा के गिरने वाला है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ऑपरेशन सक्सेस। सिस्टर कम हियर, इस नमूने को अंदर क्यों भेजा है? बाहर ले जाइए। आइए सिस्टर, उठाइए। चिंता मत करो। दामाद इधर आओ, वापस ले चलिए। आइए। अर्जुन ठाकुर, रामनाथ के बेटे को टपकाने के बजाय तुम इस तरह क्यों ढील दे रहे हो? 18 साल पहले बनाया हुआ प्लान है ये। सुनो, 18 साल 20 साल ये सब तो एक डैम बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए तय करते हैं। एक आदमी को मारने के लिए 5 मिनट का वक्त काफी नहीं है क्या? तो रामनाथ का चमचा है क्या? रामनाथ का चमचा? जा रहे बेवकूफ, सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे लिख के मैं बीच सड़क में खड़ा, ऊपर से तू की भेजा खड़ा है। सुनो, तुमसे ज्यादा रामनाथ की वजह से मैंने ज्यादा ठोकरें खाई है। मेरा फोन करने का मकसद तुम्हें मदद करना। कहने का मतलब, रामनाथ की पत्नी ने ऐसी मन्नत मानी है कि अपनी कुल देवी के पास उसे ले जाएगी और इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने गांव भी जा रही है। यही सही समय है उसका काम तमाम करने का। तू चूक गया तो दूसरा आदमी रखना पड़ेगा और तेरे बदला लेने के लिए उसे दूसरा बेटा पैदा करना पड़ेगा। इस बुढ़ापे में उसे काम होगा क्या? जो ही रामनाथ ने मंदिर जाने का फैसला कर लिया है उसी दिन मैंने अपने आदमी को वहाँ भेज दिया। ऐसा क्या? कुछ देर और फोन पे बातें करते रहो, तेरा पता लगाकर तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। बापरे, अर्जुन ठाकुर का भेजा हुआ आदमी कौन हो सकता है? समय बीतता जा रहा है, बच्चों को बुलाइए, गन्ने के झूले में झुलाइए। गन्ने का झूला क्यों आंटी? हम लोग बच्चे थोड़े ही हैं। हमारे लिए तो तुम लोग हमेशा बच्चे हो। संतोष जब बचपन में गुम हो गया था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब वो मिल जाएगा तो इसी मंदिर में झूले में बिठा के मंदिर की परिक्रमा करवाएंगे। रामनाथ तुम भी उठाओ, अच्छा रहेगा। हाँ क्या, उन्हीं को क्यों कह रहे हैं? बहुत बड़े पुण्य का काम है, आप भी जाके शेयर कीजिए। क्यों, मैं क्यों? अरे हाँ भाई साहब, मैं कहना ही भूल गई थी, संतोष को आप दोनों उठाइए और प्रीति को मैं और बहन उठा लेंगे। बापरे, कम से कम 90 किलो का होगा। बेटी तुम भी बैठ जाओ। हाँ, तुम भी विदेश में करते तो डॉलर्स में कमाई हो जाती हमारी। हाय हाय। आराम से बैठे हो ना? गद्दी मंगवा दूं क्या? अंग्रेजों ने गन्ने से चीनी ढूंढ निकाली, अगर गन्ने का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो चीनी के भाव बढ़ेंगे ही ना। वहाँ देखो बच्चा पैदल जा रहा है। उठाने की जरूरत नहीं, मैं चल के आऊंगा। उस बच्चे में जो अकल है तुझ में नहीं है। कभी कभी घुटनों के बल भी चला करो ना, मेरा तो कुंडा निकल रहा है। दामाद जी, मन्नत बेकार जाएगी, आप आराम से रिलैक्स होके बैठिए। रामनाथ कलेक्टर से पोर्टर बन गए क्या? सुनिए, और ऊंचा उठा के पकड़िए, दामाद जी कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। दामाद मुसीबत में पड़े या न पड़े, लेकिन तुम मुसीबत बन रही हो। रामनाथ, एम्बुलेंस का नंबर हर जगह एक ही होता है ना? दो सुंदर लेडी डॉक्टरों के साथ तुम एक ऐसी एम्बुलेंस में बुलवा लो। फूल गिर गया। बाबूजी थोड़ा रुकिए, रिवर्स आइए। अरे रे, अरे होल्ड ऑन होल्ड ऑन, थोड़ा रिवर्स आइए। पीछे जाइए। बेटे मुंबई में कभी BST में कंडक्टर हुआ करते थे? अरे रिवर्स आइए ना बाबूजी। कभी पीछे, मर गया रे, मर गया। थोड़ा नीचे, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट। अरे जल्दी जुड़े में फूल रखो ना। मैं ही रख देता हूं ना। ये क्या मंदिर में सिर्फ औरतें नजर आ रही है? कहीं अर्जुन ठाकुर ने मर्डर का सेक्स तो नहीं बदल दिया? चाहे फीमेल हो या मेल, उसका खत्म हो जाना चाहिए खेल। यजमान मुहूर्त बीतता जा रहा है, बलि के बकरे को लाइए।
बकरे को छोड़ दीजिए, मेरे लिए इसकी बलि मत चढ़ाइए। उस बकरे की बलि चढ़ाकर मेरी जान बचाना कहाँ का न्याय है? बलि रोक दीजिए डैडी। माँ आप इन्हें समझाइए। ये क्या बेटा, हमारी मन्नत पूरी करने वाले भगवान को बलि चढ़ाना हमारी परंपरा है, इसमें डरने की क्या बात मैं है? डर नहीं रहा हूँ माँ, मुझे तरस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बलि चढ़ा रहा है। पापा आज तक आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। आइए पापा आप इन लोगों से कह दीजिए। जल्दी जल्दी कबूल में क्या पापा, जब पुलिस वाले मुझे बलि का बकरा कहते थे तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब मेरे लिए किसी बकरी की बलि चढ़ाने जा रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। प्लीज इन्हें रोक दीजिए। मैंने कहा ना प्लीज बोलिए। अरे कपूर वाले स्वामी आंखें खोल दी क्या? अरे कपूर का क्या, ये तो देवी प्रकोप है, बकरे की आज तू बलि चढ़ाई दे। अरे पंडित जी ये कहाँ का न्याय है? भगवान ने आपसे कहा है क्या बलि चढ़ाओ? भगवान ये क्या हो गया? शाला चुप गया, जल्दी काट लो। पापा पापा तूने मेरे साथ खेला ना, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अपुन का काम इतना आसान हो जाएगा अपुन ने सोचा ही नहीं था। आप इनका ख्याल रखिए। हाँ बेटी। गाड़ी तैयार है, हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं माँ आप गलत समझ रही हैं, वो आप लोगों के दुश्मन नहीं है। आपको नहीं पता वो दरअसल मुझे ही मारना चाहते थे। उस कमीने ने अगर मुझ पे वार किया होता, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। संतोष ऐसी बातें मत कर बेटा, अगर तू दुखी होगा तो पिताजी और दुखी होंगे। इस हालत में भी अपनी चोट को भुलाकर तू सुरक्षित है ये सोचकर वो खुश हो रहे होंगे। तू देख लेना बेटा, उस खुशी के कारण ही वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर यही बात है तो रामनाथ इस जन्म में कभी भी नहीं उठेगा। बेटे घर जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं बाबूजी आप जाइए, रामनाथ को अच्छी नींद सोने दो।
आप भी चाहिए ना, इस तरह जिद क्यों कर रहे हैं? दो दिन से कुछ खाया नहीं, सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा भी एक बेटा। सिस्टर, इन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इस देवता को यहाँ अकेले तड़पने के लिए छोड़कर मैं कैसे जा पाऊंगा, आप ही बताइए। पापा, सर, दोष तो मेरा ही है, मुझे यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ नहीं आना था, नहीं आना था मुझे। सुनिए बाबूजी, नहीं नहीं सर, आप देवता हैं, ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। अगर आपको कुछ हुआ तो इस अनाथ का क्या होगा, सोचा आपने? तुमने सही बोला मोती बेटे, तुम तो नेक इंसान हो, तुम्हें यहां नहीं आना था। मैं जा रहा हूं, इसी वक्त जा रहा हूं। जिसने आपकी ऐसी हालत की उसे सुलाने के लिए जा रहा हूं, आज फैसला होकर ही रहेगा। ए, पुरानी दुश्मनी अपने दिल में रखकर फिर से तूने मेरे परिवार वालों को कुछ किया ना, तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। तू मुझे चाहता है ना, जेल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। रेल की दोस्ती और जेल की दुश्मनी कभी बरकरार नहीं रहती है। अपन को तुम पे गुस्सा जरूर था, लेकिन अपन तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों बना, कारण तुम जानते हो क्या? एक बंदे ने तुम्हारी सुपारी दी 10 लाख रुपए। आज बाजार में तेरी जान की कीमत बहुत है यार। ना जाने कौन बाजी मार ले जाएगा। देखो तुम्हारी जीवन रेखा भी कटी हुई है, संभल गए रहना मेरे यार। कौन है वो? लाखों की सुपारी देने वाले का नाम ठाकुर, अर्जुन ठाकुर है। वो विदेश में नहीं, हमारे ही देश में है, जाकर ढूंढ लो। ये क्या, कलेक्टर के बेटे की फोटो को लैमिनेशन करने के लिए मैंने तुम्हें दिया था, तूने उसे उठाकर किसी और को दे दिया, ये कहाँ का न्याय है बोलो? नहीं सर, अर्जुन ठाकुर अपने बेटे का फोटो लैमिनेशन करने के लिए यहीं पर दिया था। जब वो लेने आए तो आपका दिया हुआ फोटो उन्होंने देखा, ये लड़का मेरे ही घर पर रहता है, ये करके फोटो साथ में ले गए। लेकर गया? अरे रामनाथ का बेटा अर्जुन ठाकुर के घर पर है। अरे वाह, गुजरात के भूकंप पीड़ित लोगों की मदद करने वालों का लिस्ट तैयार हो चुका है। श्री अशोक मेहता 5 लाख रुपए, मिस्टर रामनाथ एक्स कलेक्टर 5 लाख रुपए, मुकेश अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 2 लाख रुपए। अर्जुन ठाकुर! कहीं किसी के हाथों अगर तू मर गया होता तो मेरे 18 बरस की मेहनत मिट्टी में मिल गई होती और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया होता। मैं शूट कर दूंगा, आज मेरे हाथों तेरे सामने वो मरने वाला है और मैं शूट कर दूंगा। अरे रे, एक्सटीरियर में कौन किसे लड़ रहा है और अंदर कौन किसे बात कर रहा है, कुछ बता नहीं। सर जी, वो लैमिनेशन फोटो दीजिए ना, मेरी रामनाथन सबसे एक डीलिंग जो है। रामनाथ? कौन सा रामनाथ? एक्स कलेक्टर रामनाथ। उससे तेरी क्या डीलिंग है? वो फोटो वाला लड़का ही उसका बेटा है। तो फिर बाहर जो लौंडा फाइट कर रहा वो कौन है? अरे अरे छोड़ो साहब, अरे hey,
ये कौन है? ये तो फ्रॉड है साहब, ये इसका ओरिजिनल बेटा नहीं है और कलेक्टर को भी मालूम है कि उसका बेटा नहीं है। इसलिए जब मैं उनके घर फोटो लेकर गया तो उन्होंने कहा कि ये कहीं भी हो से ढूंढ कर दिखाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, बोला साहब। ए, ले जा, ले जा। किसे फ्रॉड का बात सुन, उनके कहने पर ही उनका बेटा बनके उनके घर गया। आज तक मैं दूसरों के लिए बलि का बकरा बनता रहा, लेकिन मैंने गद्दारी कभी नहीं की। बलि का बकरा, मेरे बेटे को मरवाने वाले उसी रामनाथ ने तो जैसे बेवकूफ को मरवाने के लिए मेरे पास बलि का बकरा बनाकर भेजा है। अरे इस अर्जुन ठाकुर के बिछाए जाल से तुझे बचता हुआ देखकर मुझे भी ताज्जुब हुआ था। कहीं मैं धोखा खा ना जाऊं, इसलिए गॉड बहुत ही कॉन्शियस है। जिस रामनाथ ने मुझे धोखा दिया उसी ने तुझे भी धोखा दिया। बलि का बकरा बना दिया तुझे। अरे बाप, अरे बाप रे, इसकी स्पीड देखकर लगता है कि रामनाथ उनका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। शंभू यहाँ आओ, यहाँ आओ। इसने जाने अनजाने में रामनाथ को बाप कहा है और उसने भी इसे बेटा कहा है। जब तक ये अर्जुन सिंह जिंदा रहेगा उस रामनाथ को कोई भी लौंडा बाप कह के नहीं पुकारेगा। बलि दो जा बे, जा। हाय, आपकी स्पीड को देखकर लगता है कि कलेक्टर को उसके बेटे की लाश ही मिलेगी। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। दिखा दिया, इतने साल मुझे दगा देने वाले तुझे उस महान ने आखिर मुझे दिखा ही दिया। संतोष, भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए आप 5 लाख रुपए देने जा रहे हैं और इसमें भी तूने ऑफिस का पता ही दिया ना? बेटे की जिंदगी तबाह करके गुजरात को आबाद कर रहे हो। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे बेटे? इतने दिनों तक मैं कैसे जिंदा रहा ये पूछूं? मेरे जिंदा रहते हुए मेरी जगह पर तूने अपने नाजायज बेटे को बिठा दिया ना, और उसे बेटा समझकर तुम्हारी पत्नी ममता लुटा रही है, और तूने भरी महफिल में घोषित कर दिया कि वो तुम्हारा खोया हुआ बेटा है। बोल, और कितनी पत्नियां हैं, कितनी रखेल हैं और कितने बच्चे हैं, बोल। नो नो, ऐसा मत बोलो बेटे, तुम्हें गलतफहमी हुई है। डोंट टॉक टू मी। हे मैन, एक बाप होने का यही सिला दिया तूने मुझे? मैं जानता हूँ 18 साल तक तूने मुझे अपने से दूर क्यों रखा है, क्योंकि तू अपने जायदाद का वारिस उस मोती को बनाना चाहता था। लिसन डैड, और मैं चाहता हूँ कि तू इसी वक्त मुझे सबके सामने अपनाएगा, ओके? ये मुमकिन नहीं बेटा। क्यों, क्यों मुमकिन नहीं, बोल। देख, कहना मानो बेटा, पता है 18 साल से कोई तुझे मारने की कोशिश कर रहा है, उससे तुझे बचाने के लिए ही मैंने मोदी को बेटा बनाया। कहानी है, मुझे 18 साल विदेश में छिपा के रख के एक नई कहानी बना रहे हो? ये पता लावारिस फिल्म की कॉपीराइट्स लेके रखा क्या? पुराने फिल्म की राइट्स को भूल जा। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, इसलिए तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए उस अनाथ लड़के को मैंने तुम्हारे बदले बलि का बकरा बना दिया। लेकिन मेरे स्वार्थ को जाने बिना हम लोगों के परिवार को बचाने के लिए वो कोई भी हद को पार कर सकता है संतोष, और कोई चारा भी नहीं है। मुझे उस मासूम की बलि चढ़ानी ही होगी, क्योंकि मैं तेरा बाप जो हूं। देख देख संतोष, मैं तुम्हें तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दूंगा, थोड़ा सब्र करो। तू अपुन को क्या सिक्योरिटी देगा? अपुन को किसने पनाह दी पता है? अपुन का पार्टनर कौन है पता है? अपुन के हाथ के जख्म को देखकर उसका दिल तड़प उठा है, वो अपुन के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। बोल, अपुन की जान को किससे खतरा है? अपुन उनसे बोल के सब ठीक करा लेगा, बोल। वो सब छोड़ो बेटे, ए, मैं इतनी सीरियसली बोल रहा हूं, तू भरोसा नहीं कर रहा है। अपुन का तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है, बस तुझसे ही अपुन को खतरा हो सकता है। अपनी औलाद हूँ ये भूल कर भी तू मुझे मरवा सकता है, चल फुटना। संतोष, मेरा नाम संतोष रखा लेकिन संतोषजनक जीवन वो जी रहा है। मैं तेरा बेटा कभी था ही नहीं, ना जा इस बेटे के साथ रह के ऐश उड़ा। मेरा पार्टनर मुझे संभाल लेगा, ओके? जा, जा यहाँ से। रुको। बेटे की खुशहाली के लिए पूजा रखवाइए, और वो अभी तक आया नहीं। संवत्सरः संवत्सरमेव वृन्दे ॐ जय भवदे पूर्वमादा संवत्सरः
18 साल से जिसे मैं मारना चाहता था वो मेरे सामने ही था, उसकी मौत निश्चित है। उठवा ले। कहाँ लेके जा रहा हूँ? मुझे, मैं जिंदा हूँ। अरे अरे, क्यों सर, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, ये सोचकर आप दुखी हो रहे हैं ना? जानते हैं आप, जब पुलिस वाले मुझे अपने साथ लेके जाते हैं क्या गुनाह है, कितने पैसे देंगे ये पता कर ही लेके जाते हैं, लेकिन आपने सब कुछ छुपा दिया। IAS है ना, IDS से काम किया, मुझे मरवाने के लिए यहां लेकर आया है। कोई बात नहीं, मगर माँ मुझे ही अपना बेटा समझती हैं। अर्जुन ठाकुर के हाथों मुझे कुछ हो गया तो माँ भी मर जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी, सोचा कि तू यहाँ आते ही अर्जुन ठाकुर तुझे मार देगा, और ऊपर वाला तुझे हमेशा बचाता रहा। सच बोलूं तो तू ही मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा है प्यार से। बस कीजिए, बहुत हो गया। ये क्यों इतने अपसेट है? मैंने जाके अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मोती से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हम दोनों के प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए हम आपके पास आए। यहाँ आकर पता चला कि आप इंसान नहीं पत्थर हैं। मेरे पापा तो सिर्फ प्यार का कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन आप तो इंसान का कत्ल करना चाहते हैं। नो मोती नो, अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकने वाले। चलो प्रीति। प्रीति, तुम मानो या ना मानो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। प्रीति, तुम्हारी वजह से मुझ जैसे अनाथ को माँ बाप का सहारा जो मिला है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना ही होगा, प्लीज। मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? समझ गई, किसके कहने पर तुम ऐसे कह रहे हो? समझ गई, उस माँ के सहारे मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने वाली हूँ। प्रीति प्लीज, अगर तुम्हारे कहने से माँ भी यहाँ पर आ गई तो भी उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस अर्जुन ठाकुर ने मुझे मार दिया तो मैं अनाथ ही मर जाऊंगा। नहीं, मैं इनका बेटा बन के मरना चाहूंगा, प्लीज, यही मेरी ख्वाहिश है। पार्टनर, तूने मेरा किडनैप क्यों करवाया? मेरे बाप से मुझे बचाने के लिए है ना? खून करूंगा। मुझे कब क्या चाहिए उसे अच्छी तरह से सिर्फ तू ही जानता है पार्टनर, सिर्फ तू ही पार्टनर। संतोष, मेरी बात सुनो। सॉरी पार्टनर, आई एम वेरी सॉरी, उस धोखेबाज को मैं टपका दूंगा। लेट मी डू माय ड्यूटी, आई एम सॉरी। यस, मैं बाप का खून करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने बेटे और फर्जी बेटे में फर्क देखे बिना ममता लुटा रही है ना वो रामनाथ की पत्नी, उसे भी टपका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप ने 18 साल तक मुझे धोखे में रखा और तू खुद उसे मारेगा, उसके बाद बाप का कातिल बोलकर मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तू बाप का खून करेगा? आज, आज ही करूंगा। तो फोन फोन तुरंत फोन करो, कम बोलो बेटा। पापा, मैं आफत में हूँ। आफत? किससे? किससे बेटा? पूछ रहा है कि आफत किससे है पार्टनर? इस शहर में आपके अलावा मेरा और कौन है पार्टनर? मैं आपका नाम बोल दूं क्या? कहना कि अर्जुन ठाकुर से। पापा, अर्जुन, अर्जुन ठाकुर से ही आफत है। अर्जुन ठाकुर? हाँ पापा। हैं? कहाँ आने के लिए बोलूं पार्टनर? रेस कोर्स के पास आने के लिए बोलो उसे। रेस कोर्स में आ जाइए डैडी, मैं वहाँ इंतजार करूंगा डैडी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ, आ रहा हूँ। हाँ, डेथ कंफर्म हो गया ना? सारे फसाद की जड़ यही है, ये तो गया काम से। Thank you.
संतोष तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ठाकुर उसे कुछ मत करना, मेरी बात सुनो, वो मेरा इकलौता बेटा है। इनसे मुझे आफत? वैसे इनसे ऐसी बात कर रहे हो जैसे इन्हें बसों से जानते हो। तूने जब से मुझे ठुकराया तो इसी महान शख्स ने मुझे पनाह दी थी, यारों का यार अर्जुन ठाकुर। ऐसे महान यार को हाथ जोड़ प्रणाम कर, प्रणाम कर। सुना नहीं पार्टनर? मैं प्रणाम करता हूँ पार्टनर, सिर्फ प्रणाम ही नहीं, इसके प्राण छीन के मैं आपकी याद में एक मंदिर बनवाऊंगा, वो भी सोने का, और ऐसा मंदिर जिसे आप देखने के लिए तड़पेंगे। खाली है, बैठिए, बैठ के मजा लीजिए। संतोष इस वक्त आप कहाँ हैं? हाँ तुम चलो। आज तक तूने लवर्स डे, फ्लावर्स डे, मदर्स डे, पार्टनर्स डे, आज तो पहली बार सन्स का डे देखने वाला है, अर्थात तेरे बेटे का दिन। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तेरे जैसे हर धोखेबाज बाप के लिए एक सबक होगा। नहीं संतोष, मेरी बात सुनो, इतने सालों से मैं तुमसे अलग रहा, इसका कारण कि अर्जुन ठाकुर ही है। हाँ बेटे, यही 18 साल से तुम्हें मारने की कोशिश में है। फंडा दे रहा पार्टनर, ऐसी सुनसान जगह पर बुलाने का यही कारण था ताकि गिरगिट की तरह रंग न बदले। आपने देखा, हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अकबर का बीरबल है ये, अकबर का बीरबल। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो इस गन और सन के बीच में भी फूट डाल देगा। जोर्डन, नहीं संतोष, मेरी बात सुनो। संतोष, मैं तेरा बाप हूँ। डोंट अंडरस्टैंड। संतोष। संतोष। यही ना तो दिन मुझे भी हुआ। संतोष। संतोष, संतोष, फर्स्ट टाइम आज विलन की जीत हुई है। संतोष, तेरे लौंडे को मैं मारना चाहता था। डैड, अंगार खाओगे तो अंगार ही हागोगे रामनाथ, और तेरे हाथों से तेरे बेटे की मौत हो गई है। पार्टनर, आई एम सॉरी पार्टनर, आई एम सॉरी। डैडी, संतोष, आई एम सॉरी डैडी। संतोष, संतोष, बेटे के मौत की गम में जिस तरह तू आंसू बहा रहा है, मैंने भी बहाया है। 18 साल से बहुत प्यार रहा हूँ, आज तू भुगत, तुझे भी ऊपर भेज दूंगा। अर्जुन ठाकुर! you
सर, 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 तुझको क्या हो गया सर? मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की और उसकी सजा ऊपर वाले ने मुझे दी। अपने हाथों से मुझे अपने बेटे का खून करना पड़ा। मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। देखो, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ होगा। खामखा पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? सर, माँ आ रही हैं। उनसे कुछ मत बोलिए। तुम जैसे बेटे को पाकर वो बहुत खुश है बेटा। उसकी खुशियों को उजाड़ना नहीं चाहता। इस मनहूस बेटे के बारे में मुझे कभी मत कहना। तुम सिर्फ उसके ही बेटे नहीं, इस पल से तुम मेरे भी बेटे हो। मेरी गलती की सजा मुझे भुगतने दो। सर, आज तक दूसरों को बचाने के लिए मैं जेल जाता रहा, पहली बार अपनों के खातिर मैं जेल जा रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए, मुझे रोकिए मत। संतोष, क्या हुआ बेटा? उफ़, कौन है ये आदमी? इसको मैंने मारा है। क्या कहा? तूने मारा? हाँ विद्या, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसे आजीवन हमारे साथ रखने के लिए इस बकरे की बलि चढ़ानी पड़ी। संतोष, बेटा, मैं समझ सकता हूँ यहाँ क्या हुआ होगा। तुम्हारे वापस आने तक मेरी बेटी इंतजार करती रहेगी। क्यों जी, हमारा बेटा जल्दी आ जाएगा ना।